चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज अपन फटाफट से शुरू करने वाले डिस्कशन के साथ, और हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले ओवेट्स चैप्टर को। किसको पढ़ने दोचो, बोलो बोलो, ओवेट्स। आज ओवेट्स चैप्टर का अपन फटाफट से एक रिविजन ले लेंगे, ठीक है? ओके, आइए। सी, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि ये चैप्टर इतना मायने क्यों रखता है या इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। समझो मेरी बात को, मैंने आपको हमेशा से ये बात क्लियर की हुई है कि ओरेट्स का मैं क्विक आपको एक रिविजन दिखा दूँ। तो ऐसा है कि कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को जब देखते हैं तो हम कॉस्ट को स्टडी करते हैं कि क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, राइट? हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसके पहले भी कॉस्टिंग पहले ये चेक करता है कि क्या कॉस्ट नॉर्मल है, क्या कॉस्ट या कॉस्ट एबनॉर्मल है, या कॉस्ट एबनॉर्मल है। सी, अगर कॉस्ट एबनॉर्मल रहा ना तो खेल ही खत्म, कॉस्टिंग में उसकी चर्चा ही नहीं होती, वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पैनल में जाएगा। कहा जाएगा बच्चों, कॉस्टिंग पैनल। सो अगर मान लेते हैं पहले कॉस्ट को हम देखेंगे, कॉस्ट में अगर नॉर्मल कॉस्ट है तो ठीक, अगर एबनॉर्मल कॉस्ट है तो पहले ही समझ लेना कॉस्ट में तो उसकी कोई खास कुछ आगे चर्चा ही नहीं होगी, वो डायरेक्टली एबनॉर्मल कॉस्ट है इसलिए वो कॉस्टिंग पैनल में जाएगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। तो ये जो पॉइंट है ना, आपको ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हमेशा याद रखना है। पूरे कॉस्टिंग में कहीं पर भी अगर आपको लगे कि कोई कॉस्ट एबनॉर्मल है तो वो जाना चाहिए कॉस्टिंग पैनल में। अगर कॉस्ट अभी रहा नॉर्मल तो उसमें हो सकता है कि वो कॉस्ट डायरेक्ट है, या हो सकता है कि वो कॉस्ट कैसा है, इनडायरेक्ट। सी, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या, वो कॉस्ट जो ट्रेसेबल हो, वो कॉस्ट जो ट्रेसेबल हो हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट देते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, उससे समझ में आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, मान लीजिए आपने मुझसे मांगा सर पार्टी दीजिए, मैंने कहा ठीक है चलो मैं पार्टी देता हूँ। अब पार्टी देने के दो तरीके, पार्टी देने के दो तरीके मतलब क्या, केस वन, चलो मान लीजिए मैं आपको मैकडॉनल्ड्स में लेके गया। अब मैकडॉनल्ड्स में अगर मैं मान लीजिए लेके गया आपको और आप सबने कहा कि सर हम बर्गर खाएंगे, मान लेते मैंने आप सबके लिए 35 रुपीज़ का एक एक बर्गर मंगाया, सबके लिए 35 रुपीज़ का बर्गर, मान लीजिए टोटल एट द एंड मुझे 3500 बिल आया, कितना बिल आया 3500। तो अगर 35 रुपीज़ का एक बर्गर था और मुझे 3500 का टोटल बिल मेरे पास आया, तो आप ये देखकर ही शायद समझ गए होंगे कि मैंने 100 बर्गर्स को ऑर्डर किया होगा। अब 100 बर्गर्स को ऑर्डर करने के बाद मान लेते अभी कि आप सब ग्रुप्स में बैठे हो, राइट? आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, अब चार बच्चों का अगर एक ग्रुप बैठा हुआ है, मान लेते हैं चार बच्चों का एक ग्रुप है, तो जैसे वो मुझे करेंगे सर थैंक यू, थैंक्स फॉर द पार्टी, मेरे मन में आएगा ओ या वेलकम वेलकम, बट मेरे दिल में इमीजिएटली आएगा कि आपके लिए मुझे कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया मुझे आपके लिए 140। हाँ, मान लीजिए दो बच्चों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, बोलेंगे सर थैंक यू, सर थैंक यू, सर सेल्फी ले लेते सर, आज आपने पार्टी दे दी सर, बहुत ही बढ़िया सर, मतलब ओ या ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं बंद से बोलूँगा पर मेरा दिल में आएगा हाँ इनके वजह से मेरे को कितना खर्चा आया, 70 खर्चा है। फिर एक ही बच्चा बैठा हुआ था, उसको देख के बोला सर हाय, बोला हाय 35 35, मेरे दिल में आ रहा है 35। 10 बच्चों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, लेकिन बोले सर थैंक्स फॉर द पार्टी सर, बहुत बढ़िया लगा सर, आज तो बहुत मज़ा आ जाए, बोला या थैंक यू, थैंक यू 3500 नहीं 350 ना, 10 बच्चे थे ना तो 350। क्या हो रहा है, मेरा जो 3500 का खर्चा आया था उसमें से किसका कितना ये मैं निकाल पा रहा हूँ, मैं निकाल पा रहा हूँ अगर एक बच्चा है तो उसका कितना, चार बच्चों का मान लीजिए ग्रुप है उसका कितना, 10 बच्चे बैठे हैं उसका कितना। व्हाट इज़ हैपनिंग, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट दैट आई हैव इनकर्ड आई कैन ट्रेस कि किसका कितना कॉस्ट है। भाई अगर मान लेते कि मैं, आप बोलते सर पार्टी पार्टी पार्टी, और मान लीजिए मैंने आप सबके लिए मान लीजिए एक सूप की पार्टी रख ली, राइट? चलो आप सूप या मिल्क शेक कुछ ऐसा मान लीजिए, राइट? मैंने आपकी पार्टी रखी और ये इसमें भरा हुआ है पूरा, राइट? फुल भरकर, वाह क्या कलर हो गया। सो मान लीजिए मैंगो मिल्क शेक है, फुल भरकर रखा हुआ है मैंने 200 लीटर, जिसको जितना चाहिए ले लो, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो। अब मान लीजिए हर बंदा आ रहा है उसके हिसाब से ले रहा है, कभी उसने पहले हाफ ग्लास ले लिया, फिर फुल ग्लास ले लिया, फिर पसंद आ गया तीन तीन ग्लास ले लिए, किसी ने मान लीजिए एक ग्लास लिया उसमें से आधा ही पिया आधा छोड़ दिया, किसी ने 3/4 ग्लास लिया, किसी ने 4 ग्लास पिए, किसी ने 5 ग्लास पिया, और ऐसा हो गया है कि मुझे एंड में समझ में ही नहीं आ रहा किसने क्या पिया है। ऑल आई नो इज कि मान लीजिए ये पार्टी देने के लिए भी मुझे 3500 खर्चा आया, अब यहाँ पे भी 3500 खर्चा आया हुआ है, यहाँ पे भी 3500 खर्चा आया हुआ है। इस सेकेंड केस में हुआ क्या है कि मैं ट्रेस नहीं रख पा रहा हूँ, राइट? मुझे मुश्किल है इस कॉस्ट का ट्रेस रखना कि अगर 3500 का खर्चा आया भी है तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ट्रेस रखना, ट्रेस करना कि किसने कितना पिया, वेरी डिफिकल्ट। मान लीजिए मैंने ऐसा रखा हुआ था जिसको चाहिए लो भाई, आई कैन नॉट रियली ट्रेस कि यार ये जो खर्चा आया इसमें से मैं किसको कितना चार्ज करूँ। तो आप अगर मान लीजिए अभी 10 बच्चों का ग्रुप मुझे बोल रहा है सर हाय सर थैंक्स फॉर द पार्टी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको हाय बोलते हुए कितना दिल में सोचूं कि हाँ इनकी वजह से तो मुझे इतना बिल आया है, वेरी डिफिकल्ट। कॉस्ट आई कैन नॉट ट्रेस, आई एम नॉट एबल टू ट्रेस द कॉस्ट।
अभी आप बोलोगे सर आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, अगर आप वहाँ पे बैठते हैं जगह पे आप लिखते हैं बरोबर कि किसने कितने गिलास पिए, तो शायद आप ट्रेस कर पाते हैं कि किसने एक गिलास पिया उसको इतना, जिसने दो गिलास पिए उसको इतना। हाँ ठीक है, बरोबर है आपका। अगर मैं बैठ जाता तो शायद मैं सब डिटेल्स रखता, शायद मैं ट्रेस कर पाता, बट मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं था। क्या नहीं था? सो बच्चों यही कंपनीज में होता है। कंपनीज में सब कॉस्ट इंकर होते हैं, कुछ कॉस्ट डायरेक्ट होते हैं, कुछ कॉस्ट इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसा होता है कि इंकर तो हुआ है पर किसको कितना चार्ज करना है ये आसर्टन करना इतना आसान नहीं है। किसको कितना चार्ज करना है ये बताना या ये निकालना इतना आसान नहीं होता। और जब ये कॉस्ट इनडायरेक्ट होता है तब रियल प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि कॉस्ट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट भले भी रहा फिर भी क्या है, नॉर्मल है। कॉस्ट इनडायरेक्ट है लेकिन क्या है, बोलो बोलो, कॉस्ट इनडायरेक्ट लेकिन क्या है, नॉर्मल है। अब कॉस्ट क्योंकि नॉर्मल है मतलब ही क्या है कि चार्ज तो करना है भाई कस्टमर को। पहली बात आप समझ लीजिए, अगर कोई कॉस्ट नॉर्मल है तो हमको हमारे प्रोडक्शन को, वो हमको हमारे प्रोडक्शन को बोलो, या अगर मान लीजिए मैं सर्विस दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आपको चार्ज करना ही है राइट। अगर कॉस्ट नॉर्मल है तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये तो कन्फर्म हो गया जनाब, ये तो कन्फर्म हो गया कि वो हमारे प्रोडक्शन को या जो हम हमारी सर्विस दे रहे इसको हम चार्ज तो करेंगे, हम जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उनका हम चार्ज करेंगे, या जो मैं सर्विस दे रहा हूँ मैं उनको चार्ज करूंगा, चार्ज तो करूंगा ये कन्फर्म है राइट, क्योंकि वो नॉर्मल है। एबनॉर्मल रहता तो मैं चार्ज नहीं करता, एबनॉर्मल रहता तो क्या मुझे झेलना है, कहाँ जाएगा मेरे मेरे कॉस्टिंग पैनल में जाएगा। अगर एबनॉर्मल है तो मुझे झेलना है, ये मुझे समझ में आ रहा है, पर अगर नॉर्मल है तो ये गारंटेड है कि मैं चार्ज तो करूंगा आपको, मतलब मैं प्रोडक्शन को चार्ज करने वाला हूँ। जैसे मैं सर्विस दे रहा हूँ और अगर कोई कॉस्ट नॉर्मल है तो मैं मेरे बच्चों से वो वसूल करने वाला हूँ। मैं कुछ गुड्स बना रहा हूँ और अगर वो उसके ऊपर कोई नॉर्मल कॉस्ट मैंने इंकर किया तो गुड्स को वो चार्ज हो गई, और गुड्स को चार्ज हो रहा है मतलब ही कस्टमर को भी चार्ज होगा। तो अगर कॉस्ट नॉर्मल है तो ये गारंटी है कि प्रोडक्शन को या हमारे सर्विस को मतलब हमारा आउटपुट को हम उसमें उसको इंक्लूड करेंगे, उसके कॉस्ट में हम उसको इंक्लूड करेंगे। हाँ एबनॉर्मल रहा तो ये भी गारंटेड है कि ये प्रोडक्शन को चार्ज नहीं होना चाहिए, ये हमारे कॉस्टिंग पैनल में जाएगा, कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग में। अगर नॉर्मल है तो चार्ज तो गए। अभी नॉर्मल में अगर डायरेक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज करना बड़ा आसान होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैंने अगर बर्गर की पार्टी दी है तो उस बर्गर की पार्टी में आपको कितना, मुझे चार बच्चे हैं उनको कितना चार्ज करना है, दस बच्चे कितना है उनको चार्ज करना है, ये आसानी से आ रहा है। पर वही अगर मान लीजिए कोई कॉस्ट इनडायरेक्ट है, जैसे मैंगो मिल्क शेक का मैंने एग्जांपल देखा, तो ये तो गारंटी है कि क्योंकि वो नॉर्मल है मैं चार्ज तो करूंगा, पर क्योंकि कमबख्त वो इनडायरेक्ट है इसलिए इतना आसान नहीं है। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे चार्ज करते हैं ये समझने के लिए हमारे सिलेबस में एसेंशियली दो चैप्टर्स है, एक है ओवरहेड्स और दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक क्या है ओवरहेड्स और दूसरा क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग राइट। सो दोनों को साथ पढ़ने में ही ज़्यादा समझदारी है राइट। ओवरहेड कॉस्टिंग को जो अभी हम पढ़ने वाले, अभी इसको ट्रेडिशनल अप्रोच मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल। अभी ऐसा मान लेते कि अभी ये बुरा हो गया, लेटेस्ट में जो है और जो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा उसको हम कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हालांकि ओवरहेड्स को भले आप ट्रेडिशनल कह दो बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी समझने के लिए आपको इसका भी एक लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ओवरहेड्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम देखना शुरू करेंगे। इसके पहले कि हम ओवरहेड्स के कुछ क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करिए, सारे एसेंशियली मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हुए वही लिए हुए, एक जनरल आइडिया ले लेते कि ओवरहेड्स में अभी हमको चार्ज तो करना है बट हम कैसे चार्ज करेंगे, एक जनरल आइडिया इसका डिस्कस कर लेते हैं। अब सभी समझिएगा, ओवरहेड्स में एसेंशियली आता है मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इन तीनों को हम मिला दें तो हम इनको क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। सो एक्चुअली ओवरहेड्स मतलब क्या, तो जैसे मैंने आपसे कहा कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो उसको चार्ज करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बोलो क्या है, अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में अगर मुझे दिमाग लगाना है तो वो हम पढ़ते हैं हमारे ओवरहेड्स के चैप्टर में। तो एक्चुअली उसको ओवरहेड्स किसको कहते हैं सर, पहला सवाल आएगा। तो आपके जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इन तीनों को मिलकर हम क्या कहेंगे, ओवरहेड्स। एसेंशियली ऐसे मानेगा बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, उसमें रहता है एसेंशियली मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने इस पेन को कंसिडर किया, ये पेन जो है इसमें तीन चीज़ें एसेंशियली मेन है। ये पेन बनाए किसी मटेरियल से, उस मटेरियल को ये शेप देना या ये डिज़ाइन वगैरह देना इसके लिए लगा है लेबर, एक इंसान, और बाद में मान लीजिए उसने एक मशीन वगैरह इस्तेमाल की हुई है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इंकर हुआ है, इन सबको हम बोल देते हैं एक्सपेंसेस। सो यूजुअली कभी भी आप एक
टेंजिबल गुड बनाते हो, फिनिश गुड बनाते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट यूजुअली मटेरियल ही रहता है। जैसे ये पेन अगर देखोगे तो पेन के कॉस्ट में यूजुअली किसी भी एक टेंजिबल आउटपुट के कॉस्ट में यूजुअली सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका रहता है? मटेरियल का रहता है। सेकेंड जो रहेगा लेबर, और इसके अलावा जो है वो एक्सपेंसेस। बट ये जनरली है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में लेबर का कॉस्ट ज़्यादा हो, किसका ज़्यादा हो, मटेरियल का कम हो, ठीक है, बट एक इन जनरल आइडिया। सो एसेंशियली अगर मैं किसी भी एक मेरे प्रोडक्ट को एलिमेंट वाइज बांटूँ तो उसमें तीन कॉस्ट होते हैं। एक रहता है मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और एक्सपेंस का कॉस्ट। अब उसमें मटेरियल में भी हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो। सो अभी डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर वो ट्रेसेबल मटेरियल, मटेरियल का कॉस्ट ट्रेसेबल है यूनिट्स को, कितने किस यूनिट के लिए, किस जॉब के लिए। बच्चों इमेजिन कीजिए, जैसे मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में तरह तरह के बहुत अलग अलग जॉब्स चल रहे हैं, तो मुझे किस जॉब को कितना चार्ज करना है। अब इस जॉब को आप इंग्लिश वर्ड जॉब से कन्फ्यूज ना करें। इंग्लिश में जॉब का मीनिंग है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, राइट, सो वी से कि आप जॉब कर रहे हो। मैं उस जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर मी, इफ़ आई हैव अ पर्टिकुलर टास्क, तो आई हैव टू कम्प्लीट मेनी टास्क, राइट। एंड से इफ आई हैव अ पर्टिकुलर टास्क कि बाबा ये टास्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई एम अ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, मैं कार बनाता हूँ, तो कार बनाना मेरे लिए अलग अलग एक टास्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी के लिए टाटा नैनो, हाँ, टाटा सुमो, टाटा मांजा, टाटा टाइगो, ये सब अलग अलग कार्स जो है उनकी, एक 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 उनके लिए मान लीजिए जॉब है, उनको वो जॉब कंप्लीट करना है, राइट। इसी को हम आगे जाके और थोड़ा जॉब और बैच कॉस्टिंग में भी देखते हैं। बट अभी क्लब समझिए कि टाटा कंपनी को अलग अलग काम करने हैं, तो वो उनको जो काम करना है वो सब क्या, उनके लिए एक वो जॉब है। सो अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा मटेरियल इंकर किया, मटेरियल का कॉस्ट आया टाटा को, और वो कॉस्ट ट्रेसेबल है, और वो कॉस्ट क्या है, तो मटेरियल का कॉस्ट आया और वो कॉस्ट अगर ट्रेसेबल है तो हम कहेंगे वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर वो मटेरियल का कॉस्ट आउटपुट को कितना चार्ज करना है ये ट्रेसेबल नहीं है तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट है। वैसे मान लीजिए टाटा में बहुत सारा लेबर कॉस्ट इंकर होता है, अगर लेबर का कॉस्ट ट्रेसेबल है तो हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर है, और अगर वो नॉट ट्रेसेबल तो हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर है, राइट। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं गोल्ड मैन्युफैक्चरर हूँ, और गोल्ड मैन्युफैक्चर में मान लीजिए किसी एक कस्टमर ने एक नेकलेस लिया और उस नेकलेस की डिज़ाइनिंग मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं पर आर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं एक लेबर हूँ उस कंपनी में, मान लीजिए कल्याण ज्वेलर्स। सो कल्याण ज्वेलर्स में मान लीजिए ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, तो वो नेकलेस का मान लीजिए एज ए डिज़ाइनर वहाँ पे मैं हूँ, तो मुझे पता है कि एक घंटा डिज़ाइनिंग करने के समय फॉर एग्जांपल मैं 2000 रुपीज़ लेता हूँ, तो कल्याण ज्वेलर्स जो भी मुझे पे करेंगे उनके लिए मेरा लेबर कॉस्ट ट्रेसेबल है, कि वो जानते हैं कि इस नेकलेस पे सूरज टाटिया ने मान लीजिए 3 आर इन्वेस्ट किए, और 3 आर्स के उसने हमसे 6000 रुपये ले लिए, 2000 रुपये एक घंटे के हिसाब से, 3 घंटे के कितने ले लिए, 6000। तो कल्याण ज्वेलर्स ने मुझे मान लीजिए 6000 पे किया, ये 6000 रुपये का कॉस्ट जो उनको आया है ये उनके लिए ट्रेसेबल है। वो अच्छे से जानते कि जिसका ये नेकलेस है, मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स जिनका भी ये नेकलेस है, उनसे वो उनका जब कॉस्ट बनाएंगे तो उसमें कहेंगे कि भाई लेबर का कॉस्ट 6000 रुपये लगा है, तो मुझे जो कल्याण ज्वेलर्स ने पैसे दिए वो उनके लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि मेरे 6000 वो भले अच्छे से जानते हैं कि वो इसी नेकलेस के लिंक करके आए। नहीं, मान लीजिए मेरे जैसे आप हज़ारों डिज़ाइनर्स काम करते हैं, और इन हज़ारों डिज़ाइनर्स सही काम कर रहे कि नहीं, उसके लिए उन्होंने एक सुपरवाइज़र रखा है। अब वो हज़ारों डिज़ाइनर्स जो है वो सबके सब क्या नेकलेस ही बना रहे हैं, मेरे जैसा ऐसा भी नहीं है, कोई ब्रेसलेट बना रहा है, कोई नेकलेस बना रहा है, कोई रिंग बना रहा है, अलग अलग चीज़ें, कोई गोल्ड पे काम कर रहा है, कोई सिल्वर पे काम कर रहा है। वो सुपरवाइज़र एक ओवरऑल सब पे नज़र रख रहा है। वो सुपरवाइज़र को मान लीजिए जो कल्याण ज्वेलर्स पैसे देते होंगे, मान लेते हैं 50,000 रुपीज़ फॉर द मंथ, अब ये 50,000 रुपीज़ वो कौन से नेकलेस से, किस रिंग से, किस ब्रेसलेट से कितना वसूल करे, ये कल्याण ज्वेलर्स नहीं समझ पाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ट्रेस करना कि सुपरवाइज़र के सर्विसेज का कौन से चीज़ के लिए नेकलेस को ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्या, ब्रेसलेट को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बड़ा मुश्किल है। तो सुपरवाइज़र भी लेबर है, मैं भी लेबर हूँ, मुझे जो पैसे दे रहे हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि उनका जो आउटपुट है उसको वो आसानी से चार्ज कर सकते हैं, इसलिए मेरा जो लेबर कॉस्ट है वो उनके लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। बट यही जब सुपरवाइज़र को पैसे देते हैं तो सुपरवाइज़र को जो उन्होंने पैसे दिए ये इनके लिए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। क्या ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट? सो लेबर में भी हो सकता है डायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट लेबर हो। वैसे एक्सपेंसेस में भी हमारे पास हो सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। तो मैंने आपको पहले ये क्लियर कर लिया कि डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज करना बड़ा आसान है, तो डायरेक्ट मटेरियल
प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड कर कर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट. बट वो जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स. तो एक्चुअली इस ओवरहेड चैप्टर हम यही पढ़ने वाले कि अगर कोई कॉस्ट इनडायरेक्ट है, अगर कोई कॉस्ट इनडायरेक्ट है तो उस इनडायरेक्ट कॉस्ट की ट्रीटमेंट कैसे होगी, राइट? उसको हम किस तरह से चार्ज करेंगे आउटपुट को, यही एसेंशियली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है सर. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं उसके लिए हम ये ओवरहेड चैप्टर पढ़ने वाले, और उसके साथ ही बाद में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो पढ़ते हैं वो भी इसी चीज़ के लिए. हाँ सर, समझ में आ गया. अब ये अगर समझ में आ गया तो देखिए सर, हमको ओवरहेड चैप्टर में करना क्या क्या है. अब सबसे पहली बात, मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम कैसे आगे बढ़ेंगे. ऐसा मान लेते हैं, एकदम सिंपल मान लेते हैं, ये मैं हूँ और मान लेते हैं ये मेरी फ्रेंड है. वाह, है ना? ओके, सो ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है. ओके, जस्ट फ्रेंड्स. ओके, अब मान लेते हैं ये मेरा एक और फ्रेंड है. अब मान लेते हैं मेरा फ्रेंड जो है ये भी बैचलर है, ये भी बैचलर है, ये भी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, ये भी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है. अब मेरा तो हो गया ना, अभी मेरा क्या, राइट? अब मेरा और इस फ्रेंड का बहुत अच्छा रिलेशन है, आई मीन एज फ्रेंड्स वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. मेरा और इसका भी बहुत अच्छा रिलेशन है, वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स. बट कम वक्त इनका कोई अब तक रिलेशन नहीं है, ऐसा नो. मैंने क्या कर दिया, एक दिन दोनों के पेरेंट्स से परमिशन लेकर मैंने उन दोनों को, मान लीजिए इनको मैंने इनवाइट किया, बोले चलो लंच पे मिलते हैं, इनको भी इनवाइट किया लंच पे मिलते हैं. और लंच पे जब हम तीनों आए तब मैंने कहा ओह मुझे अर्जेंट काम आ गया है, और मैं यहाँ से निकल गया ताकि ये दोनों मिल पाए. एवरीबॉडी यस नो, मैंने क्या कर दिया, मैंने वो दो चीज़ें जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी उसमें एक डमी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया. यही हम इस चैप्टर में करने वाले. सो मतलब क्या, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? अरे बच्चों, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं. हम क्या करने वाले इस चैप्टर में, एसेंशियली यही होगा, कई सारे कॉस्ट होंगे. मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, ओके, मान लेते ये एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, राइट? ये मान लीजिए अपने आउटपुट्स है, क्या है अपने आउटपुट्स. अब ये कॉस्ट का और इन आउटपुट्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हमको इस चैप्टर में कोई एक ऐसा बेस ढूंढना है. बोलो क्या ढूंढना है? हमको एक ऐसा कोई बेस ढूंढना है कि इस कॉस्ट का और इसका रिलेशन हो, इस बेस का और इस आउटपुट का रिलेशन हो, और इस बेस के बदौलत हम ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को इन यूनिट्स पे फेयरली चार्ज करेंगे. आ रहा चैप्टर का मीनिंग समझ में आ रहा है कि क्या करने वाले इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हमारे जो कॉस्ट होंगे उसका और आउटपुट का शायद हो सकता है डायरेक्ट रिलेशन ना हो, बट उस कॉस्ट का किसी एक बेस के साथ कोई रिलेशन होगा. सर अब ये बेस क्या है, रुको देखेंगे. और उस बेस का और इस आउटपुट के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, ऐसा नो? अरे ऐसा नो. और इस तरह से हम क्या करेंगे, एंड में इनडायरेक्टली इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देंगे. एवरीबॉडी यस नो? और इस तरह से फेयरली, एक फेयर तरीके से जितना हो सकता है हम ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को फेयरली हमारे आउटपुट्स के ऊपर चार्ज करने वाले. सर ये सब कैसे करोगे आप? बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूँ फटाफट से. अब मान जाते कि ये अपने एकेडमी है, तो मान लीजिए ये है SGT प्रोफेशनल एकेडमी. तो मान लीजिए इस मेरी एकेडमी में, मान लेते थोड़ी देर के लिए, मान लो ये एक फैक्ट्री है, या चलो ठीक है ये एक एकेडमी, और इस एकेडमी में बहुत सारे क्लासेस. जैसे आपको मालूम है अपने थर्ड फ्लोर पे मान लीजिए 3 क्लासरूम है, अपने फोर्थ फ्लोर पे 3 क्लासरूम्स है, तो ये 6 क्लासरूम्स है. अब प्रॉब्लम क्या है, मान लेते हैं ध्यान से एक ना एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. आप किसी एक क्लास में पढ़ रहे हो, आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, और मुझे आपको इस क्लास का, मान लीजिए मुझे, मान लीजिए आपको रेंट चार्ज करना है. क्या चार्ज करना है? रेंट चार्ज करना है मुझे आपको. जो पूरे SGT एकेडमी का लाइट का बिल आता है उसमें से आपको कितना लाइट का बिल चार्ज करूँ, ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है. पूरे SGT एकेडमी को साफ और क्लीन रखने के लिए, मान लीजिए हमारा क्लीनलीनेस स्टाफ है, इस क्लीनलीनेस स्टाफ को मान लीजिए मैं सैलरी दे रहा हूँ, ये सैलरी में से मैं आपको कितना चार्ज करूँ, ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है.
हमारे पूरे एकेडमी को मिलकर नीचे पार्किंग है, उस पार्किंग को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट इनकर हो रहा है, उस कॉस्ट में से मैं आपको कितना चार्ज करूँ, ये मेरे सामने चैलेंज है। मतलब आप समझ गए ये सब मेरे लिए क्या है, ओवरहेड से क्या है। अब देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर तरीके से कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक तो ये एसजीटी एकेडमी में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, बहुत सारे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे अलग अलग बैचेस हैं, और उसमें से एक बैच में आप हो तो आप हमारे पास मान लीजिए एक बैच के लिए कहीं पे हो, जैसे अपने कॉस्टिंग के बैच के लिए आप हो। अब मुझे आपको चार्ज करना है इस पूरे एकेडमी में से प्रोपोर्शनेट फेयर रेंट मुझे आपको चार्ज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अभी फैक्ट्री लेवल पर हूँ, क्या हूँ मैं, कौन से लेवल पर हूँ मैं फैक्ट्री लेवल पर हूँ। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फैक्ट्री लेवल से आऊँगा डिपार्टमेंट लेवल पर। क्या करूँगा मैं डिपार्टमेंट लेवल पर आ जाऊँगा। तो मान लीजिए अपने पास 5 क्लासरूम्स है, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे पास पूरे फैक्ट्री का रेंट मुझे पता है, मैं पूरे फैक्ट्री के रेंट में इतने सारे क्लासरूम में इतने सारे कोर्सेज, उस कोर्स में से एक बैच के एक सब्जेक्ट में आप हो, तो आपसे कितना रेंट लेना इज़ अ वेरी इनडायरेक्ट, यू नो देयर इज अ वेरी इनडायरेक्ट रिलेशन, कि आप रेंट का और आपका कोई रिलेशन ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेंट मेरे पास जो आता है वो पूरे एकेडमी का आता है। तो स्टेप नंबर वन मैं क्या करूँगा, मैं फैक्ट्री लेवल से आ जाऊँगा डिपार्टमेंट लेवल पर। मैं क्या करूँगा, मैं फैक्ट्री लेवल से आ जाऊँगा डिपार्टमेंट लेवल पर, राइट। इसको ही हम कहेंगे आगे जाके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर वन हम करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मुझे फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पर आना है। कौन से लेवल पर आना है, डिपार्टमेंट लेवल, राइट। अब मान लेते हैं इस डिपार्टमेंट लेवल पे हम एक बार आ गए तो नई प्रॉब्लम क्या होगी। अब मान लो कि ये 5 डिपार्टमेंट में से ये जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये 2 डिपार्टमेंट मान लीजिए हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स है। बोल क्या, सर्विस डिपार्टमेंट्स। मतलब एग्जांपल के लिए मान लो कि ये अपने एकेडमी में जो ये एरिया है, यहाँ पे हमारा कैंटीन है, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है मान लीजिए हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो एक्चुअली मैंने क्या करा कि इतना इतना रेंट मेरे पूरे एकेडमी पे आ गया, मैंने पूरे एकेडमी के रेंट में से मैंने एक एक डिपार्टमेंट का रेंट निकाला, तो इसका रेंट आ गया, इसका रेंट आ गया, इसका रेंट आ गया, इसका रेंट आ गया, इसका रेंट आ गया। मैंने इनको बोल दिया कि यार ये रेंट है ना आपको आपके बच्चों से चार्ज करना है, आपके क्लासरूम, इस क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आपको चार्ज करना है। इनको मैंने बोल दिया आप इस क्लास में जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे वसूल कर लीजिए, इस क्लास में जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे वसूल कर लीजिए। और जैसे मैंने इनसे कहा आपको इस क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं और इस क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आप ये रेंट वसूल कर लीजिए, तो इमीडिएटली कैंटीन और अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग रोने लग गए, सर बचाओ बचाओ, ताई माम बचाओ। मतलब क्या हो गया, मतलब सर प्रॉब्लम ये कि आपने जस्ट कहा कि ये जो रेंट आया है वो जितने भी बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं उनसे वसूल करो। सर हमारे पास तो कोई पढ़ता ही नहीं, हम तो सर्विस देते हैं, यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको हम खाना खिलाते हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबका अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। हम कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है सर, हम तो कौन है, हम सर्विस डिपार्टमेंट है, हम खुद कुछ नहीं बना रहे, हम जो बना रहे हैं उनको मदद करते हैं। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या कर दिया था, ये रेंट जो है ये सबको चार्ज कर दिया था, सारे डिपार्टमेंट को, और ये सोचा था कि भाई पूरे एकेडमी का रेंट और एक बच्चे का रिलेशनशिप ट्रेस नहीं होगा, तो अपन फैक्ट्री लेवल से एक डिपार्टमेंट लेवल पे आ जाते हैं, फिर शायद हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट का रेंट यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में कोई रिलेशनशिप हो, ट्रेस हो जाए और एक फेयर तरीके से अपन चार्ज कर ले। पर वो मैं करूँ उसके पहले या जैसे मैं फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पे आया, डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम होने लगी। डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट है जिनको हम कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, क्या बोलेंगे उनको हम, जो कुछ बनाते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स है जिनको हम कहेंगे दे आर व्हाट, दे आर सर्विस डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आउटपुट बना रहे हैं, ये सर्विस डिपार्टमेंट आउटपुट नहीं बना रहे, ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये सर्विस डिपार्टमेंट इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। आ रहा समझ में। तो स्टेप नंबर वन क्योंकि ये सर्विस स्टेप नंबर टू क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट खुद कुछ आउटपुट बनाते नहीं है, इसलिए ये क्या चार्ज करेंगे किसी और को। तो हमको क्या करना है, स्टेप नंबर वन में हमने किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब स्टेप नंबर टू में हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोलो क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे वापस। कि मैंने इनसे जैसे ऐसे इमेजिन कर लीजिए आप कि मैंने इनसे कहा कि आप जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं ना उनसे आप वसूल कर लीजिए। जैसे मैंने उनसे कहा जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो बोल रहे सर कोई बच्चे तो पढ़ नहीं रहे। बोला फिर ये खर्चा आ क्यों रहा है आपका, आपका ये कैंटीन आपको लग क्यों रहा है, ये कैंटीन की इतनी एरिया लेके क्यों बैठे आप, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको इतनी जगह की जरूरत क्यों है, आपके लिए रेंट आ रहा हमारा और बच्चे पढ़ते नहीं तो किसके लिए आप। सर हम इन लोगों के लिए, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम क्या दे रहे, सर्विस।
और हम क्योंकि उनको सर्विस दे रहे इसलिए आज वो इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे, क्योंकि वो आके इतना खाना अच्छा खा लेते सर, इसलिए जाके बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उनको अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए उनको फ़ायदा हो रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कितने बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं, कितना फीस कलेक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, एवरीबडी ऐसो। तो मतलब हम एक्चुअली यहाँ पे जो सो है ना ये डिपार्टमेंट्स, इन्हीं को तो हम सर्विस देते सर, उन्हीं के लिए तो है, उन्हीं का तो फ़ायदा हो रहा है उसमें। फिर मैंने कहा ठीक है, आप अगर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो आपका फ़ायदा किनको हो रहा है? सर इन लोगों को हो रहा है। तो एक काम करो, आपके खर्चे उन्हीं को चार्ज करो, आपके खर्चे उन्हीं को चार्ज करो, चार्ज कर दे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बोलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि हम आप ही के लिए है, आप ही तो हमको यूज़ करते हो, तो हम हमारा खर्चा आपको चार्ज करने वाले, बोल दो उनको चार्ज कर दो, और उनको बोलो कि करो वो भी बच्चों से वसूल, बच्चों से जो उनके क्लास का रेंट आ रहा है वो तो वो वसूल करेंगे ही, प्लस आपको जो रेंट आ रहा है वो आप उन्हीं को चार्ज कर दो, आपस उनको बोलो कि हम थोड़े ना खुद के लिए यहाँ पे कैंटीन खोल के बैठे, आप ही के लिए कैंटीन खोला है, तो आपके भी खर्चे आप उनको चार्ज कर दो। और ये जो हम करेंगे इसको हम बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस का हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वापस किसके ऊपर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर। और इस सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला वाला कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? प्राइमरी। दूसरा वाला कौन सा? दूसरा वाला मेरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेप नंबर 1 मुझे ओवरहेड्स में क्या करना है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं सारे फैक्ट्री लेवल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, देखो फैक्ट्री में बहुत सारे, फैक्ट्री में बहुत सारे गुड्स बनते हैं, तो फैक्ट्री का और गुड का डायरेक्टेशन नहीं। जैसे मेरे एकेडमी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पूरे एकेडमी का रेंट, और कोई एक बच्चा मेरे सामने आ रहा है उस बच्चे को देख के मुझे समझ में आ जाए कि हाँ इसको इतना रेंट लगाना है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्ट्री लेवल का और वो यूनिट का, जैसे एग्जाम्पल हो ना कैमलिन, कैमलिन इतनी बड़ी कंपनी, कैमलिन में इतने सारे डिपार्टमेंट्स, उस डिपार्टमेंट में इतने सारे चीज़ें बनते हैं, जैसे कैमलिन के इतने सारे डिपार्टमेंट्स, उसमें से एक डिपार्टमेंट है मान लीजिए उस डिपार्टमेंट में बन रहा है पेंसिल, पेन, मार्कर। अभी उसमें अगर कैमलिन का इतना बड़ा रेंट है, उस मार्कर को कितना रेंट लगाओगे सोचोगे तो बहुत मुश्किल वाली बात है भैया। कैमलिन के रेंट का और मार्कर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्ट्री लेवल से आएंगे डिपार्टमेंट लेवल पे। डिपार्टमेंट में दो टाइप के डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरे है सर्विस डिपार्टमेंट। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर आपने कुछ चार्ज किया तो वो उनके आउटपुट जो बनते हैं उनसे पैसा वसूल कर लेंगे, लेकिन अगर आपने सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ चार्ज किया, जैसे आप अपना कैंटीन डिपार्टमेंट और ये अकाउंट डिपार्टमेंट, इनको अगर आपने कुछ चार्ज कर दिया तो ये सर्विस डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हम तो कोई आउटपुट बनाते ही नहीं है, हम तो उनको सर्विस देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है, मैं जो कौन है, मैं ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है, मैं इन सर्विस डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ कि काम कर लो आप अपने खर्चे वापस इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे डाल दो। यस नो? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप सर्विस देते हो ना, तो आप एक काम करो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे वो खर्चे डाल दो और उनको बोलो कि आप अपना रेंट तो अपने बच्चों से वसूल करो ही करो, साथ साथ में हमारे जो खर्चे वो हमने आप ही के लिए इनकर किए, हम हमारा खर्चा आप ही को चार्ज करेंगे और आप वो भी खर्चा अपने बच्चों से वसूल कर लीजिएगा, मतलब आप अपने आउटपुट से वसूल कर लीजिएगा। ये जो सेकेंड स्टेप है, इस सेकेंड स्टेप को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले मेरा कौन है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री लेवल से हम आएंगे डिपार्टमेंट लेवल पे। सेकेंड स्टेप जो है मेरा उसको क्या बोलेंगे हम? यस, सेकेंड जो है मेरा वो है सेकेंड स्टेप जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को, बोलो किसको, हम किस पर डाल देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पर डाल देंगे। कन्फर्म रहेगा? ठीक है सर। अब ये करने से क्या हो जाएगा कि फाइनली सारे खर्चे जो आपके थे वो किसके ऊपर आ गए, अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी उनका खुद का खर्चा था, उसको मैं येलो कलर से डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ, मतलब वो दिखा रहा है कि वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। बोल क्या है? सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से इनके सर पे तो खर्चे आए ही थे, प्लस ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो उस पर मैं रेड कलर डाल देता हूँ, ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेड कलर इनके ऊपर कहाँ से आया, ये सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिए। एवरीबडी यस नो? और अब ये क्या करेंगे, ये दोनों खर्चे मिलाकर ये इनके आउटपुट से वसूल करेंगे। इस लास्ट स्टेज को कहते हैं, इस लास्ट स्टेज को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे इसको हम? इस लास्ट स्टेज को हम कहेंगे कि ये आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये इनके जो इनडायरेक्ट खर्चे थे, जिसको हम अभी ओवरहेड्स कहते हैं, ये खर्चे इनके आउटपुट से वसूल करने वाले, तो वसूल करने वाले हैं मतलब ये क्या करने वाले, इसको एब्जॉर्ब करने वाले। क्या करने वाले? उनके आउटपुट से वो एब्जॉर्ब करने वाले, आउटपुट को चार्ज करने वाले, राइट? आउटपुट को चार्ज करेंगे ताकि आपको एक बार सही कॉस्ट प्राइस समझ में आ जाए, तो आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करके कस्टमर से वो पैसे वसूल कर पाओ। तो ये
अपने फिनिश गुड को चार्ज करने वाले, मतलब इसको हम कहते हैं कि उनसे वसूल करने वाले फिनिश गुड से, मतलब उनको उनसे एब्जॉर्ब करने वाले, क्या करने वाले, एब्जॉर्ब। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ तक चर्चा पे पहुँच गया हूँ कि मुझे उस ओवरहेड चैप्टर में करना क्या क्या है। मुझे उस ओवरहेड चैप्टर में तीन स्टेजेस करनी है। सबसे पहले कौन सा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन और बाद में लास्ट में एब्जॉर्प्शन। अब मुझे बताइए ओवरहेड्स में क्या क्या आता है। ओवरहेड्स में आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैंने ओवरहेड्स को क्लासिफाई कर दिया, सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिलकर हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, ओवरहेड्स। अब ये एक्चुअली ओवरहेड्स भी ऐसा नहीं किसी फैक्ट्री में इनकर होते हैं। जैसे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी इनडायरेक्ट खर्चे रहते हैं। फैक्ट्री से जब गुड्स बाहर निकलते हैं तब जब ऑफिस में जो खर्चा इनकर होता है, मान लीजिए गुड्स यहाँ से बाहर निकलने का डायरेक्टली क्या कस्टमर के घर नहीं जाते, तो ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है वहाँ पे जो ओवरहेड इनकर होंगे सब बोलेंगे एडमिन ओवरहेड्स, क्या बोलेंगे। अभी ऑफिस में जाने के बाद भी कस्टमर तक पहुँचने तक बहुत सारी चीज़ें बीच में आते हैं। उस गुड्स का हमको मार्केटिंग करना पड़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, होम डिलीवरी देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, तो वो ओवरहेड्स को हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं उसको हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो एसेंशियली अगर आप देखो तो ओवरहेड्स को अगर मैं फंक्शन वाइज बांट दूं, बोलो कैसे, कि ओवरहेड्स अलग अलग फंक्शन के लिए इंकर होते हैं। ओवरहेड्स हो सकता है प्रोडक्शन के लिए इंकर हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या उसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या उसी को हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंकर हो, तो उसको हम बोलते हैं एडमिन ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंकर हो, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मान लीजिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी रहती है कंपनी में, वहाँ पे भी ओवरहेड इंकर हो सकते हैं, तो उसका हम बोलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर ये ओवरहेड्स का इंकर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं फैक्ट्री में हो, ये हो सकता है ऑफिस मतलब एडमिन में हो, ये हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो, या हो सकता है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो। उसमें सबसे ज़्यादा जो ओवरहेड्स यूजुअली होते हैं वो प्रोडक्शन में ही होते हैं, या पे थोड़े कम इनकर होते हैं। सो इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स को चार्ज करने के लिए एसेंशियली हम तीन चीज़ें करते हैं। हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मेनली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये बहुत कम होते हैं, इतने इनकर नहीं होते, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में इनकर होते हैं। इसलिए प्रोडक्शन के ओवरहेड्स कैसे हम हमारे आउटपुट को, उन आउटपुट के ऊपर कितना ये ओवरहेड इंकर हुआ, ये हम कैसे एक्यूरेटली असर्टन कर सके, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड चैप्टर। तो मैंने देख लिया कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अगर मुझे चार्ज करना है तो मुझे तीन स्टेजेस करनी है। पहले है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में क्या है सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड वाला क्या है मेरा एब्जॉर्प्शन। ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पे। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैं क्या करने वाला हूँ, ये डिपार्टमेंट में से मान लीजिए ये दो कौन है, ये तो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पे तो आ गया, इस डिपार्टमेंट लेवल पे जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस वापस मैं फैक्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर, फैक्ट्री के ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बांट दूंगा। ये सुनो, इसको बोलते हैं सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये होने के बाद लास्ट में सिर्फ तीन ही डिपार्टमेंट्स मान लीजिए मेरे बच गए, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बच गए, क्योंकि इनके खर्चे तो मैंने इनके ऊपर डाल दिए। इसनो, तो लास्ट में ये लोग अपना जितना भी खर्चा इंकर हुआ, ये खर्चा ये इंकर करने वाले हैं, ये जो खर्चा इंकर हुआ है, इनके ऊपर जो ये खर्चा आ गया है, इस खर्चे को ये वसूल करने वाले आउटपुट से, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, एब्जॉर्प्शन। तो आप, मुझे उम्मीद है आपने भी मेरे साथ ये छोटा सा एक डायग्राम बना लिया होगा। इस पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है, तो हम इंकर करेंगे क्या, हम ओवरहेड्स पहले हमारे जो इंकर होता है वो इंकर होने के बाद हम देखेंगे कि मुझे तीन स्टेप्स करने हैं। मुझे क्या करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे क्या करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और बाद में मुझे क्या करना है एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि ये तीन तो आपके चलो प्रैक्टिकल स्टेप्स हो गए कि ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या करोगे, बट कितना ओवरहेड, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं फैक्ट्री लेवल से आ जाऊँगा डिपार्टमेंट लेवल पे, पर फैक्ट्री लेवल पे मेरे कौन से ओवरहेड्स हैं, इसके लिए मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स देखकर मैं डिसाइड, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राइट, ये सारी चीज़ों को देखकर मैं पहले डिसाइड करूँगा कि कौन से ओवरहेड्स इंकर हो रहे हैं।
अब इसमें भी मान लीजिए दो शब्द आते हैं, एक रहता है अलोकेशन, क्या रहता है, एक रहता है अपोर्शन, क्या रहता है अपोर्शन, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ये दो थ्योरी क्वेश्चंस इसमें आते हैं कभी कभी। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स मतलब क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था ये मेरी एसजीटी एकेडमी, इसमें मान लेते हैं मेरे पास ये 6 डिपार्टमेंट्स हैं या 5 डिपार्टमेंट है, मान लेते मैंने हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाया, मैंने हर डिपार्टमेंट के लिए क्या किया है, अलग इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाया, तो मुझे बताइए मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक आएगा क्या 5 आएंगे। तो मैंने अगर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगाया तो मुझे 5 बिल आएंगे। और अब मान लीजिए ये 5 डिपार्टमेंट के जो टीचर्स है वो मेरे पास आ गए, तो मैं हर सर हर टीचर को आगे बुला के बोलूँगा सर डिपार्टमेंट 1 आ गया ये लीजिए आपका बिल, डिपार्टमेंट 4 आपका बिल, 3, 2 आपका, डिपार्टमेंट 5 आपका बिल। मैंने बस उनके बिल उनको दे दिए, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि पूरे लाइट के बिल में से इस डिपार्टमेंट का कितना। तो मुझे अगर फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पर आना ही है तो डिपार्टमेंट में भी अगर मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया हर डिपार्टमेंट को मैंने अलग इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाया, तो जो सिर्फ बिल आएगा वो सिर्फ मुझे उनको एलोकेट करना है, हाँ डिपार्टमेंट 1 ये लीजिए ये आपका बिल है, अच्छा आप कौन से डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट 4 क्यों आप, ये लीजिए ये आपका बिल है, मैंने एलोकेट कर दिया, क्या कर दिया, मैंने सिर्फ लोकेट किया कि इस बिल का हकदार कौन है या बिल किसका है, बस मैंने लोकेट कर दिया, उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, क्या बोलेंगे इसको, चलिए बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, हम उसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। और वही अगर मान लेते कि पूरे फैक्ट्री का मिलकर एक ही मीटर है, पूरे फैक्ट्री का मिलकर एक ही मीटर है तो बिल तो एक ही आएगा, और वो बिल आने के बाद फिर अगर मुझे डिपार्टमेंट लेवल पे आना है तो मुझे लॉजिकली, बोलो क्या, लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग लगाकर मुझे पूरे बिल में से एक एक पोर्शन, मुझे पूरे बिल में से एक एक पोर्शन इन सबको चार्ज करना है, इसलिए उसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट, क्या बोलते हैं उसको। तो देखो स्टेप नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव सीधा है, स्टेप नंबर 1 सिर्फ ये बोलता है कि आपको फैक्ट्री लेवल से, बोलो क्या, स्टेप नंबर 1 बस इतना ही बोलता है कि आपको फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पर आना है। अभी अगर तुम्हारे बिल अलग है तो तुम्हारी मेहनत कम होगी, सिर्फ एलोकेट करना है, तुम सबका बिल एक ही है तो आपको कोई तो लॉजिकल दिमाग लगा के उसको क्या करना है, अपोर्शनमेंट। तो थ्योरी क्वेश्चन आता है एलोकेशन और अपोर्शनमेंट में फ़र्क क्या है, तो थ्योरी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ओके। सो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट क्या है ये हमको समझ में आ गया, कुछ भी कर रहा हो एलोकेट करो या अपोर्शनमेंट, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पे आ जाओ भैया, तब आगे की कहानी शुरू होगी, तो स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। तो स्टेप नंबर 1 में फैक्ट्री से डिपार्टमेंट लेवल पे आओ, एक तो एलोकेट करके आओ नहीं तो अपोर्शन करके आओ। सर अपोर्शन कैसे करेंगे हम सर, अरे भाई थोड़ा लॉजिकल आपको बेस एग्जाम में दिया जाएगा, राइट। जैसे आपको मान लीजिए एग्जांपल के तहत मैं बोल दूँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आगे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है कितना चार्ज करना है। अब आप बोलोगे सर काम करो सर इक्वली लगा दो सबको, बच्चों यार फिर एक्यूरेट नहीं हुआ, फेयर होना चाहिए ना, एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते कॉमन सेंस है सारे डिपार्टमेंट, अभी अपने क्या एकेडमी है तो आप क्या डिस्को लाइट नहीं लगने वाले, सिंपल रेगुलर ट्यूबलाइट्स ही, तो जिस डिपार्टमेंट में जितने लाइट पॉइंट्स है, रिपीट, जिस डिपार्टमेंट में जितने, अब मान लीजिए बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पे 10 लाइट पॉइंट है, यहाँ पे भी 10 लाइट पॉइंट है, ये छोटा डिपार्टमेंट है यहाँ पे 5 लाइट पॉइंट है, और ये कैंटीन वैंटीन में मान लीजिए 8-8 लाइट पॉइंट है, तो आप इस रेशो में 10:10:5:8:8 इस रेशो में आप काम कर दो ना, आप पूरे आपके एक लाइट बिल का इस रेशो में बांट दो, ऐसा नो, ये जो आपने किया इसको हम बोलेंगे कि आपने अपोर्शन किया है, कब ऑन क्या किया आपने, आपने अपोर्शनमेंट किया है, कब ऑन क्या किया आपने, अपोर्शनमेंट। तो आपको बस एलोकेट करना है तो काम आसान हो गया, अगर एलोकेट नहीं करना है आपका सबका मिलकर एक ही है, हर डिपार्टमेंट लेवल पर आने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाना है, आप अपोर्शनमेंट कर लीजिए। जैसे वैसे ही मान लीजिए लाइट का बिल हुआ, वैसे ही मान लीजिए सारे क्लासरूम का मिलकर मैं एक साथ रेंट पे करता हूँ तो टोटल रेंट आया, अब उस रेंट को मैं कौन से रेशियो में बांटूँ, लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटूँ क्या, रेंट मुझे बोलो लाइट्स पे डिपेंड करता है क्या एरिया पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं ये बड़ा क्लासरूम है हमारा, अब अगर वो बड़ा क्लासरूम है उसकी एरिया ज़्यादा है तो मान लीजिए इसकी, तो क्या कर दो जो स्क्वायर फीट रहेंगे क्या रहेंगे उस रेशियो में बांट दो। तो मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट का क्लास है, ये भी 500 स्क्वायर फीट का क्लास है,
ये भी ये मान लो छोटा, ये 100 square feet का क्लास है, और ये कैंटीन, और ये मान लीजिए ये 200 square feet का है, ये 300 square feet का है, तो आप क्या कर दो, आप अपने पूरे फैक्ट्री का जो खर्चा था उसको डिपार्टमेंट लेवल पे आओ, लेके आओ, और अगर मान लीजिए सबका अलग 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 नहीं पता आपको, आप एलोकेट नहीं कर सकते, तो आप अपोर्शन कर लो, क्या कर लो, अपोर्शन कर लो। लेकिन स्टेप नंबर वन सिर्फ तभी कंप्लीट होगी जब आप फैक्ट्री लेवल से डिपार्टमेंट लेवल पे आ जाओगे, समझ में आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी मतलब क्या, सबसे पहले ये होना चाहिए। जैसे लाइफ में आपने कौन सा एजुकेशन पहले लिया, प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी, प्राइमरी, तो जो पहले करते हैं उसको प्राइमरी कहेंगे, वो बहुत ही फंडामेंटल है, वो तो होना ही चाहिए। वो होने के बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। तो अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे, प्रोडक्शन बढ़ाना। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सभी। तो स्टेप नंबर वन मेरा हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टेप नंबर टू को देखिए, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दो है हमारे सर्विस डिपार्टमेंट। अब मैंने कहा कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपने खर्चे बांट दो। अभी इन्होंने मुझसे पूछा, सर कैसे बांटे हम, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना सर बता दिया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या बोल दिया सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बोल दिया कि क्या करना है, लॉजिकली आपको एक तो एलोकेट करना है, नहीं तो अपोर्शन करना है। सर आपने बता दिया, रेंट के लिए एक एग्जांपल दिया आपने स्क्वायर फीट के रेशियो में, लाइट के लिए आपने एग्जांपल दिया लाइट पॉइंट के रेशियो में। वैसे मान लीजिए पूरे फैक्ट्री पूरे कंपनी का मिलकर एक साथ डेप्रिसिएशन है, बोल क्या है, तो अभी हर डिपार्टमेंट को कितना बांटने का, तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ असेट्स इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, हर डिपार्टमेंट में जितने असेट्स है उस रेशियो में डेप्रिसिएशन को बांट दो। तो ये आपने एग्जांपल दे दिया सर। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करता होता है आपको ये समझना है कि सर्विस डिपार्टमेंट ने कौन से टाइप की सर्विस दी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, पहले वो चेक करना पड़ेगा। सर अभी कौन से टाइप की सर्विस दी है मतलब क्या, तो बच्चों देखो तीन टाइप के सर्विस रहते हैं, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरे पास देखो, मान लेते ये कौन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये कौन है, मान लेते ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और ये है सर्विस डिपार्टमेंट, तीन कौन है सर्विस डिपार्टमेंट। आप ध्यान से रखना, तीन टाइप के सर्विसेज हो सकते हैं। टाइप नंबर वन उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट सर्विस मतलब क्या, कि मान लेते कि इन तीन सर्विस डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ, क्या मानना है आपको, इन तीन सर्विस डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इन पांच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दी, तो ऐसे टाइप के सर्विस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सर्विस, राइट। सेकेंड टाइप का सर्विस, उसका हम बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। नॉन रेसिप्रोकल सर्विस मतलब क्या, कि मान लीजिए ये टोटल 8 डिपार्टमेंट्स है। अभी ऐसा इमेजिन कर लीजिए, आठवा डिपार्टमेंट जो है, इस आठवे डिपार्टमेंट ने, एट्थ डिपार्टमेंट ने इस 1 2 3 4 5 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस दी ही, उसके साथ साथ इस एट्थ डिपार्टमेंट ने इन दोनों को भी सर्विस दी, इन दो सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दी। अरे सुनो, ऐसे टाइप को सर्विस हो क्या करेंगे कहना हमको, नॉन रेसिप्रोकल में भी और जरूरी है, मतलब इतना तो कंफर्म है कि डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट में क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट ने बोलो सिर्फ और सिर्फ किसको सर्विस दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे टाइप के सर्विस को क्या कहते हैं, डायरेक्ट सर्विस। अभी अगर ऐसा टाइप है कि आठवें डिपार्टमेंट ने दिया 7 डिपार्टमेंट्स को सर्विस, इस 7th डिपार्टमेंट ने दिया इन 6 डिपार्टमेंट को सर्विस, और इस 6th डिपार्टमेंट ने दिया इन 5 को सर्विस, सो मतलब बोलना क्या चाहते हो, मतलब 8 ने दिया 7 को, 7 ने दिया 6 को, 6 ने दिया 5 को, वंस अगेन 8 ने दिया 7 को, 7 ने दिया 6 को, 6 ने दिया 5 को। अगर ऐसे टाइप की आपकी सर्विस है तो ऐसे टाइप की सर्विस को हम कहते हैं, तो पहला मेरा कौन सा हो गया, डायरेक्ट सर्विस। दूसरा जो अभी अपने मैंने देखा उस समय कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल सर्विस, क्या बोलेंगे इसको, नॉन रेसिप्रोकल सर्विस, या इसको कहते हैं स्टेप लैडर सर्विस, क्या बोलेंगे इसको, सर्विस। और जो तीसरा टाइप है उसमें क्या होगा, शायद आपने गेस कर लिया होगा। मान लीजिए अगर ऐसे टाइप की सर्विस हुई है कि 8 ने दिया 7 को और इस 7वें डिपार्टमेंट ने भी दिया 1 2 3 4 5 6 और इस 7वें 8वें डिपार्टमेंट को, मतलब इस 8 डिपार्टमेंट ने बचे हुए सारे 7 डिपार्टमेंट को सर्विस दी, इस 7वें डिपार्टमेंट ने भी उसको छोड़ के बाकी सबको सर्विस दी है, अरे बड़ी। ये 6th डिपार्टमेंट ने भी क्या किया,
इन एक दो तीन चार पांच को तो दिया, साथ साथ में इन दोनों को भी सर्विस दी एनबडी। अगर ऐसे टाइप की सर्विस हुई है तो क्या है, ये आठ ने भी इन सबको दिया है और इनका भी बारी जब आया इन्होंने भी इसको दिया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल है। क्या ये, अगर आपने थोड़ा सा लॉ पढ़ा होगा फाउंडेशन में तो आपने आप रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पढ़ा होगा। मतलब मैं आपको एक प्रॉमिस करूँ, आप मुझे एक प्रॉमिस करो, तो ये क्या रहता है, रेसिप्रोकल ना। तो वैसे ही तो हो रहा है, आठ ने दिया सात को और ये सातवें डिपार्टमेंट ने भी दिया एक दो तीन चार पाँच छः और ये आठवें को। तो आठ ने दिया सातों को, सात ने दिया सातों को, छः ने भी दिया सातों को, आठ ने दिया सात को, छः ने दिया सात को, आठवें ने दिया सातों को, सातवें ने दिया सातों को, छठे डिपार्टमेंट ने भी दिया सातों को सर्विस। तो ऐसे टाइप को सर्विस को हम कहेंगे रेसिप्रोकल सर्विस। अभी अगर मान लो डायरेक्ट सर्विस है ना बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। बहुत आसान क्यों हो गया, कि आपको क्या करना है, ये सर्विस डिपार्टमेंट ने इन्हीं को सर्विस दी, जितनी सर्विस दी उस रेशियो में बांट दो, नेंगे खर्चे खत्म हो गया। अगर नॉन रेसिप्रोकल सर्विस है तो सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि जिस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी, बोलो जिस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी उसको सबसे पहले क्लोज करो। सब मतलब नहीं समझा, मतलब मान लेते इधर ये जो मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है दो, इनको मैं नाम देता हूं, मान लीजिए एक्स एंड वाई। ये जो मेरे दो सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई, मान लेते इस एक्स ने सिर्फ इन तीनों को ही सर्विस दी, बट वाई ने ए बी सी और इस एक्स को भी सर्विस दी। तो पहली बात ये नॉन रेसिप्रोकल ना, क्योंकि वाई एक्स डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है बट एक्स वापस वाई को सर्विस दे रहा नहीं। आठ ने दिया सात को, लेकिन जब सातवें की बारी आई गद्दार निकला वो, बेवफा निकला, उसने आठवें को सर्विस नहीं दी, उसने उसके आए के छः लोगों को ही सर्विस दी और छः ने इन दोनों को सर्विस दी ही नहीं, उसने सिर्फ इन पांचों को ही सर्विस दी। आठ ने दिया सात को, सात ने दिया छः को, छः वापस सात और आठ को सर्विस, इससे तो उसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल, एक तरफा है ये, एक तरफा। आठ ने दिया सात को, सात ने दिया छः को, छः ने नहीं दिया सात और आठ को, एक तरफा सर्विस है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। क्या बोलेंगे, नॉन रेसिप्रोकल सर्विस, समझ में आ रहा है। सो अगर नॉन रेसिप्रोकल सर्विस है बच्चों, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी उसको पहले क्लोज करना है। सो जैसे इन दिस केस मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया कि एक्स ने किसको सर्विस दी, मान लें इनका नाम ए बी सी है, तो एक्स ने सिर्फ ए बी सी को ही सर्विस दी है जबकि वाई ने ए बी सी और एक्स चारों को सर्विस दी। तो सबसे पहले आप किसके बुक्स क्लोज करोगे, वाई के। सर बुक्स क्लोज करना मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी कहा ना, क्या करना अपने को, एक्स और वाई के खर्चे ए बी सी पे डालने ना, तो उनके खर्चे उन पर डालने मतलब एक्स और वाई के बुक्स क्लोज करने, एक्स और वाई के जितने भी खर्चे मुझे ए बी सी पे डालना है, ये सुनो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले y के एक्सपेंस, y ने ए बी सी को सर्विस दिया ना, तो y ने जिस रेशियो में ए बी सी को सर्विस दिया, ए बी सी और x को, y ने ए बी सी और x चारों को सर्विस दिया, तो y ने ए बी सी और x को जिस रेशियो में सर्विस दिया उस रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर x क्या करेगा, x जो उसके सर पे खुद के, x से खुद के खर्चे हैं प्लस y ने अभी अभी उसके ऊपर कुछ खर्चे डाल दिए, कि y ने बोला मैंने x को भी सर्विस दिए, तो x क्या करेगा, जो उसके खुद के खर्चे ऑलरेडी थे उसके सर पे, अच्छा x के ऊपर ऑलरेडी खर्चे कहाँ से आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चे आ जाते हैं ना एवरीबॉडी। तो x के सर पे ऑलरेडी हल्दी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, प्लस x के सर पे अभी y ने भी थोड़ा सा खर्चा डाल दिया, तो मान लीजिए y कैंटीन डिपार्टमेंट है, y बोलेगा कि मेरे पास तो खाना ए बी सी ने भी खाया है और x ने भी तो खाना खाया था मेरे पास, तो मेरे खाने का खर्चा, मेरे कैंटीन का खर्चा x भी झेलेगा। अभी x क्या बोलेगा, x के ऊपर अभी दो खर्चे, येल्लो ये सुनो और एक पर्पल, आई होप आपको पर्पल दिख रहा है क्या, ये पर्पल है दिख रहा है क्या आपको, वो भी वाइट लग रहा है, ठीक है एनीवे जो भी हो अभी वो है पर्पल। सो एक्स डिपार्टमेंट के ऊपर उसका खुद का प्राइमरी भी है और उस एक्स डिपार्टमेंट के ऊपर क्या हो गया,
वाई ने भी अपना खर्चा डाल दिया। अब एक्स बोलेगा हाँ माना कि मैंने वाई का नमक खाया है, मैंने वाई का नमक खाया है, पर क्यों खाया मैंने नमक? ताकि मैं एबीसी को ये और अच्छी सर्विस दे पाऊँ। एक्स मान लो अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट है क्या, तो एक्स बोलेगा अगर मैं खाना ही ना खाऊँ चक्कर आ गए मुझे, सो एबीसी मान लीजिए टीचर्स है अपने क्लासरूम में, सर गलती से मैंने आपकी सैलरी जो 50,000 थी उसमें एक जीरो कम लिख दिया क्योंकि मुझे चक्कर आ रही थी, तो कहीं सर आपकी सैलरी 50 की 5 ना हो जाए, तो खाना खाऊँ क्या नको खाऊँ? तो ये डिपार्टमेंट बोला नहीं नहीं ये डिपार्टमेंट बोला बिंदास खा भाई खाना खा, है कि नहीं, 50,000 का 5,000 मत कर मेरी सैलरी। मतलब एक्स क्या बोलेगा कि माना मैंने वाई डिपार्टमेंट की सर्विस ली है, बट ऑफकोर्स मैंने वो आप ही को वापस सर्विस आगे मैं अच्छे से दे पाऊँ इसलिए तो लिए। इसलिए एक्स क्या करने वाला है, एक्स जो से खुद के खर्चे थे वो प्लस जो वाई ने उसके सर पर डाले, एक्स क्या करने वाला बोलो? यस, एक्स के जो से खुद उसे खर्चे सर पे जो ऑलरेडी खर्चे थे येलो कलर के, एवरीबॉडी यस नो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले वो, प्लस जो वाई ने उसके सर पे अभी डाल दिए, ये दोनों मिलाकर वो क्या करेगा, ए बी और सी पे डाल देगा, आया ना, ए पे डालेगा बी पे डालेगा सी पे डालेगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कौन से टाइप की सर्विस है, नॉन रेसिप्रोकल। तो अगर नॉन रेसिप्रोकल टाइप की सर्विस है तो हमको ये याद रखना है जिस डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी उसको सबसे पहले क्लोज करो, यस नो एवरीबॉडी। अब ये क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आपको याद रह जाएगा, राइट। जिस डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी एवरीबॉडी, जैसे मेरे इस केस में तो अभी तो भी चलो ऊपर अपन ने 2 ही लिए, लेकिन मेरे जो केसेस थे इन केसेस में हमने क्या किया था, 8 ने दिया 7 को, 7 ने दिया 6 को, 6 ने दिया 5 को, एवरीबॉडी। अभी इस केस में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 को क्लोज करना है, उसका खर्चा 7 पर डालना है, फिर 7th डिपार्टमेंट क्या करेगा जो उसके सर पे ऑलरेडी था येलो कलर का प्राइमरी, प्लस इस 8th डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कुछ डाला होगा, ये दोनों मिलाकर वो डाल देगा ये 6 डिपार्टमेंट्स पे, और ये 6th डिपार्टमेंट क्या करेगा, अभी उससे खुद के ऊपर था येल्लो प्राइमरी, 8th डिपार्टमेंट ने भी उसके ऊपर डाला, 7th डिपार्टमेंट ने भी उसके ऊपर डाला, ये तीनों मिलाकर जो उसके ऊपर खुद का था प्राइमरी, जो 8th ने डाला 7th ने डाला, ये तीनों मिलाकर डाल देगा इन 5 डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो इसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज। क्या कहेंगे? लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिकी तो तब होगा जब रेसिप्रोकल सर्विस है, क्योंकि कमबख्त रेसिप्रोकल सर्विस में बुक्स क्लोज ही नहीं होंगे, मतलब आसानी से क्लोज नहीं होंगे सब। मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो, मुझे इमेजिन करो, अभी 8वें डिपार्टमेंट ने क्या कहें 7 रुपये और खर्चा डाला, फिर ये 7 क्या बोलेगा, ठीक है मेरे ऊपर प्राइमरी भी आ गया और ये 8th डिपार्टमेंट ने पर्पल भी डाल दिया मेरे पे, ये दोनों एक्सपेंस मिलके ये भी किस पर डालेगा, अभी 1, 2, 3, 4, 5 6 पे डालेगा, और वो बोलेगा इस 8th डिपार्टमेंट ने भी मेरे से सर्विस ली, यस और नो? तो क्या हुआ था, हम 8 के बुक्स क्लोज करने गए, हमने सोचा कि 8 ने सबसे ज़्यादा सर्विस दी, ये गलत है, 8 ने भी 7 को सर्विस दी और 7 ने भी 7 को सर्विस दी, 7th डिपार्टमेंट ने भी, 6th डिपार्टमेंट ने भी 7 को सर्विस दी। अब ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम में अभी क्या हो रहा है, देखिए 8th डिपार्टमेंट के बुक्स हमने क्लोज किए, उस 7 पे खर्चा आ गया, तो हमको लगा वाह 8th अपना क्लोज हो गया। नाउ इफ यू कंसिडर 7th डिपार्टमेंट, द 7th डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैज इज ओन एक्सपेंसेस, 8th डिपार्टमेंट हैज पुट अ पोर्शन ऑफ हिज एक्सपेंसेस ऑन इट, 7th डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो बोलेगा चलो मेरे सारे एक्सपेंस आप लोग झेलो जिन्होंने भी मेरे से सर्विस लिया, सो विल चार्ज दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, 6th डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो से 8th डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो टेकन सर्विस फ्रॉम मी, सो इट अगेन चार्ज द 8th डिपार्टमेंट, 8th डिपार्टमेंट के बुक्स वापस क्लोज हो गए, अब वापस खुल गए, जो क्लोज हुए तो वापस ओपन हो गए। एवरीबॉडी अब 6th के बारे में इमेजिन करो, 6th क्या बोलेगा, मेरे ऊपर ऑलरेडी खर्चा है प्राइमरी, 8th ने भी मुझे चार्ज किया, 7th ने भी मुझे चार्ज किया, मेरे ये सारे खर्चे वो लोग झेलेंगे जिन्होंने मेरे से सर्विस ली, अभी 6th ने किस किस को सर्विस दी, 1, 2, 3, 4, 5, ये 7 और 8 दोनों, तो लो अभी 7th के बुक्स आपको क्लोज हो गए, 6th ने उसके ऊपर खर्चे डाल दिए, वापस उसके बुक्स ओपन हो गए। अब 7th वापस बोलेगा कि माना कि मैंने मान लो अभी जैसे कि है ना 7th डिपार्टमेंट या 6th डिपार्टमेंट अपना कैंटीन था, 7th बोलेगा माना कि मैंने कैंटीन में नमक खाया, पर मैंने नमक इसीलिए खाया कि मैं आप लोगों को वापस अच्छी सर्विस दूँ, वापस 7th बोलेगा मेरे खर्चे तुम लोग झेलो, चलो भाई भाई मेरे को बुक्स क्लोज करो, वापस 8th के ऊपर खर्चा आ गया। एवरीबॉडी अभी 8th मान लीजिए अकाउंट्स मेंटेन करता है, इन 5 को भी मेंटेन करता है, कैंटीन वाले का भी मेंटेन करता है, इस सर्विस डिपार्टमेंट का मेंटेन करता है, 8th डिपार्टमेंट बोलेगा मैं क्यों खर्चे झेलूँ, मेरे खर्चे तुम लोग झेलो यार, वापस इनके बुक्स खुल जाएंगे। समझ में आ रहा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एम ये है कि हम सर्विस डिपार्टमेंट एक के बुक्स क्लोज करके उसे खर्चे दूसरों पर डाल रहे हैं, ये सोचते हो कि भाई वो बोलेगा मैंने तो उनको सर्विस दिया, पर कमबख्त उसने अगर उसको सर्विस दी थी तो उसने उससे सर्विस ली भी है, रेसिप्रोकल है क्या? तो जब 7th डिपार्टमेंट अपने बुक्स क्लोज करने जाएगा उसका एक पोर्शन 8th पर डाल देगा और 8th के बुक्स वापस खुल जाएंगे। तो अगर रेसिप्रोकल सर्विस है
तो क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है. और इसलिए अगर रेसिप्रोकल सर्विस है तो उसको सॉल्व करने के तीन मेथड्स है. कितने मेथड्स है? तीन. तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में आपको तीन वर्ड याद रखना है बस. कहीं भी अटक गए तो समझ लेना तीन टाइप है. तो आप मेरे इस चार्ट को रेफर करते जाओगे तो आपको हमेशा लगे दिखेगा कि मैंने तीन 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 में बांटा है. राइट, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने क्विकली आप तक के रिवीजन से. मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ओवरहेड्स में कौन कौन आता है. ओवरहेड्स में कौन कौन आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन हो गए. फिर ओवरहेड्स कहाँ कहाँ पे इनकर हो सकते हैं, कौन से कौन से फंक्शंस के लिए हो सकते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए हो सकता है, एडमिन ओवरहेड्स के लिए भी हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी मेन है, एक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो सकता है. तो बेसिकली ये तीन मेन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स. उसमें अपन सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स को. फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर मुझे मान लीजिए सही तरीके से फेयरली मुझे चार्ज करना है आउटपुट को फैक्ट्री ओवरहेड्स को, तो कितने स्टेप्स हैं? बोलो कितने स्टेप्स हैं? कौन से तीन स्टेप्स? सबसे पहले, यस, सबसे पहले मुझे करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में मुझे करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में क्या करना है? एब्जॉर्प्शन. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? हम फैक्ट्री लेवल से आ जाते हैं डिपार्टमेंट लेवल पे. लेकिन डिपार्टमेंट में दो टाइप के डिपार्टमेंट हो सकते हैं. एक तो हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, नहीं तो सर्विस डिपार्टमेंट. अब सर्विस डिपार्टमेंट इमीडिएटली रोने लगेगा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट बोलेगा हम तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं, आप हमको खर्चे चार्ज कर रहे हो और आप हमको बोल रहे हो कि हम जो गुड्स बनाते हैं उनसे वसूल करो. जनाब हम तो कोई गुड्स बनाते ही नहीं. सो व्हाट विल वी डू इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन? इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम सर्विस डिपार्टमेंट खर्चों को किसके ऊपर डालने वाले? वापस हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डालने वाले. बट ये करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमने कौन से टाइप की सर्विस दी. तो बोलो कितने टाइप के सर्विस होते हैं? तीन टाइप. सब तीन 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 याद रखो. पहला कौन सा टाइप की सर्विस हो सकती है? डायरेक्ट सर्विस. डायरेक्ट सर्विस में क्या होता है बच्चों, कैसे याद रखने का? इन सर्विस डिपार्टमेंट्स है सिर्फ और सिर्फ, करो ना, करो मेरे साथ करो, इन सर्विस डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी. ऐसे टाइप की सर्विस हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट सर्विस. लेकिन फिर दिया आठ ने दिया सात को, सात ने दिया छः को, छः ने दिया पाँच को, एक तरफा आठ सातों को दे रहा है पर सातवें की जब बारी आई तो उसने छः को ही दिया, उसने मुड़कर आठ के पास वापस देखा भी नहीं. ऐसे टाइप की सर्विस है तो हम क्या कहेंगे? नॉन रेसिप्रोकल सर्विस. और लास्ट क्या है? आठ ने दिया सातों को, सातवें ने भी दिया सातों को, छठे ने भी दिया सातों को, इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल सर्विस. डायरेक्ट सर्विस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट की बुक्स ओपन करो, बाढ़ दो जिस रेशियो में ए बी सी ने उनको यूज़ किया रहेगा, ये रेशियो आपको क्वेश्चन में देंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और समझेगा, बाढ़ दो. नॉन रेसिप्रोकल सर्विस से तो मैंने आपको बोल दिया कि आपको एक चीज़ याद रखनी, जिस डिपार्टमेंट ने सबसे जिस डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दी उसको सबसे पहले क्लोज करो. ये क्या याद रखने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस है. राइट, आठ ने दिया सातों को, सात ने दिया छः को ना, तो एट्थ डिपार्टमेंट की बुक्स पहले क्लोज करो. ओके, राइट, वो आपको देखना है. और अगर रेसिप्रोकल सर्विस है तो मैंने आपसे कहा कितने, अगर रेसिप्रोकल सर्विस है तो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स है? तीन मेथड्स. अब ये तीन मेथड मैं लिख तो देता हूँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और समझेगा. राइट, पहला मेथड जो है वो है आप सबका प्यारा राज दुलारा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. मैथ्स आप सबका फेवरेट होगा बच्चों, ये सुनो, बड़ा प्यार है आपको मैथ्स से. तो लीजिए, पहला आपको बनाने हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस. सो टेंथ स्टैंड में पढ़ा था आपने एक्स और वाई के इक्वेशंस, तो वैसे इक्वेशंस हमको बनाने साइमल्टेनियस इक्वेशंस. दूसरा तरीका हो सकता है ट्रायल एंड एरर. बोलो क्या? एरर मेथड. और तीसरा है रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन. रिपीटेडली रीडिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर रेसिप्रोकल सर्विस से पूछो तो उसको सॉल्व करना एक चैलेंज है. और इसलिए रेसिप्रोकल सर्विसेज को अगर रेसिप्रोकल सर्विसेज और सर्विस डिपार्टमेंट की बुक्स आपको अगर क्लोज करने हैं तो क्लोज करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ट्रायल एंड एरर और तीसरा कौन सा है? रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन. ये करने के बाद होगा क्या एट द एंड? ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड में होगा क्या? एंड में होगा ये कि सर्विस डिपार्टमेंट के बुक्स हो जाएंगे क्लोज और सारा खर्चा, मतलब ये प्राइमरी, ये जो तीन डिपार्टमेंट हमारे एबीसी, उनके ऊपर हल्दी भी है. हल्दी क्या है उनकी? वो हल्दी का मतलब क्या? ये येलो कलर मतलब कौन से खर्चे बच्चों?
जो इनके खुद के खर्चे, प्राइमरी ने जो इनके ऊपर बांटे थे, प्राइमरी ने रेंट बांटा था ना, तो एबीसी का भी कुछ एरिया रहेगा तो वो प्रपोर्शनेट उन्होंने भी झेल लिया वो भी, प्लस जो जो सर्विस डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर बांटा, ये ने बांटा होगा, एक्स एक्स ने बांटा होगा, वाई ने बांटा होगा इनके ऊपर, ये सारे खर्चे मिलकर ये टोटल खर्चे लास्ट में ये क्या करने वाले, क्या करने वाले, ये एब्जॉर्ब करने वाले। कन्फर्म सभी को ऐसा ना? अब वो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो अगली स्टोरी है, लेकिन उसके पहले अपने को देखने हैं इसके इलस्ट्रेशंस। क्या देखने हैं अपने को इसके पहले कि हम और आगे बढ़े, हम ये दो स्टेप्स के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो हम देखने वाले, प्रीवियस ईयर्स के जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं सी इंटर में वो मैं फटाफट से आईपीसीसी के वक्त में या प्रीवियस ईयर में जो जो आए थे इन चैप्टर्स के ऊपर वो क्वेश्चंस हम फटाफट से देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन जल्दी से आइए, तो सबसे देखिए ये आपको और के क्वेश्चन देके रखे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके अब ये एक छोड़ दीजिएगा, आपको देखना है इसमें थोड़े से एबीसी के भी क्वेश्चंस हैं तो वो बाजू में रखते हुए ये देखिए थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर, डिस्कस द स्टेप मेथड। स्टेप मतलब ही क्या बच्चों, स्टेप लैडर मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए रेसिप्रोकल मेथड में अगर आप गौर से देखो तो आपको समझ में आए कि रेसिप्रोकल मेथड में तीन नाम लिखे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ट्रायल एंड एरर एंड रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं? ओके ये थ्योरी क्वेश्चंस कई बार इस पे आ चुके हैं, ये देखिए चलिए ये देखना क्वेश्चन बटन। एबीसीडी कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स फोर प्रोडक्ट्स, चार प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, एबीसीडी नाम है प्रोडक्ट्स का। दिस प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन्स ऑफ 10 यूनिट्स। सिमिलर प्रोडक्ट्स एबीसीडी और यूजुअली 10-10 के सेट में बनाते हैं हम उनको, तो एक प्रोडक्शन का रन कितने यूनिट्स का रहता है, 10 यूनिट्स का रन रहता है। अगर मैं ए बना रहा हूँ तो एक ए बनाया ऐसा नहीं, 10 ए एक साथ, 10 बी, 10 सी, 10 डी एंड सोल्ड इन अ बैच ऑफ 5 यूनिट, लेकिन बेचते हो 5-5 यूनिट एक साथ बेचते हैं, बेचते हो कैसे बेचते हैं, 5-5 यूनिट एक साथ। द प्रोडक्शन डिटेल्स आर एज फॉलोज, तो मतलब बच्चों इन शॉर्ट वो क्या बोलना चाहते हैं कि जब वो बनाते हैं तो एक टाइम पे 10 ए, 10 बी, 10 सी, 10 डी बनाते हैं, बेचते हो 5-5 ए का एक सेट बेचते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक रन में बोलो क्या, क्या मैं बोल सकता हूँ दो बैच बन रहे हैं, एक बैच में कितने यूनिट्स हैं, एक बैच में 5 यूनिट्स हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब वो बना रहे हैं तो 10 यूनिट वो एक टाइम पे बना रहे हैं और बेच तो 5 यूनिट एक टाइम पे बेच रहे हैं, तो मतलब 10 यूनिट बना रहे हैं तो 5-5 यूनिट का एक बैच है तो दो दो बैच एक टाइम पे बन रहे हैं, यस नो? अब आपको क्या डिटेल्स देखेंगे, द प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज, ए बी सी डी के बारे में देखो कितने प्रोडक्शन किए आपने, ए के कितने प्रोडक्शन किए 10, बी के कितने 110, सी के 120 और 150 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए। अभी एक टाइम पे आप 10 बनाते हो, एक टाइम पे आप कितने बनाते हो, तो 100 बनाने के लिए कितने रन्स लगे होंगे, 10 रन लगे होंगे, यहाँ पे 11 रन्स, 12 प्रोडक्शन साइकिल्स और यहाँ पे 15 साइकिल्स, यस नो? सर ये आपने क्यों निकाला, निकल रहा था इसलिए निकाला, तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, अब देखेंगे, आई डोंट नो यूज़ होगा अभी के नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है उससे इतना समझ में आ रहा है भाई कि एक टाइम पे अगर आप 10 बना रहे हो तो 100 बनाने के लिए 10 रन है कि नहीं, 110 बनाने के लिए 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 ऐसे लेंगे। अब कॉस्ट पर यूनिट दिया है, कॉस्ट कैसा देखेगा, मतलब एक ए बनाने के लिए इतना मटेरियल लगता है, इतना लेबर लगता है, इतने मशीन आर्स लगते हैं, इतने मशीन एक ए बनाने के लिए, एक वैसे एक बी बनाने के लिए इतना मटेरियल, कॉस्ट आपको पर यूनिट दिया है, एक बी बनाने के लिए इतने का मटेरियल, इतने का लेबर और इतने मशीन आर्स लगते हैं,
ठीक है सर. द प्रोडक्शन ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड आर एज फॉलोज. कौन से उनसे ओवरहेड्स इंकर किए हमने? तो जैसे मैंने आपसे कहा था, लाइट का बिल है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, यस नो? ऐसे इस कंपनी ने कौन से ओवरहेड्स इंकर किए ये आपको दिया हुआ है. देखो एक बार, तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आपको देखे रखे. फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कितने हैं? 22,500, यस नो? स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, स्टोर्स मतलब मटेरियल, मटेरियल रिसीव करने के लिए कुछ खर्चा आया, मशीन को सेटअप करने के लिए कुछ खर्चा आया. अब देखो ए बी सी डी क्या एक सेम प्रोडक्ट्स तो है नहीं, ऐसा ना? तो हर प्रोडक्ट का एक सेटअप अलग रहता है, बनाने का तरीका अलग रहता है, राइट? मशीन के सेटिंग्स अलग रहते हैं. तो सेटअप करने के लिए इतना खर्चा आया, फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए इतना खर्चा आया, और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच करने के लिए इतना खर्चा आया. ओके ठीक है. कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर दीज ओवरहेड्स आर एज फॉलोज. कॉस्ट ड्राइवर्स कौन होते हैं बच्चों? कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब क्या? कॉमन सेंस, जो कॉस्ट को ड्राइव करते हैं. जो कॉस्ट को, बोलो बोलो, कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, मतलब जिनके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करते हैं, जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कार ड्राइवर कौन होता है? जो कार के ड्राइविंग को, कार कैसी जाएगी उसको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब वो डिसाइड करेगा ना कार कैसे जाएगी. एवरीबडी, तो अपनी कार डिपेंड्स ऑन दैट ड्राइवर, हाउ ही ड्राइव्स. सो वी से ही इज द कार ड्राइवर, वो कार को ड्राइव करता है. वैसे कॉस्ट ड्राइवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल का ड्राइवर कौन होगा? तो कितने यूनिट्स में इंकर कर रहा हूँ, मतलब कितने देर ये लाइट चालू है उतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा है, ऐसा नो? अच्छा मेरा रेंट किस पे डिपेंड करता है? कितना स्क्वायर फिट है? अगर ज़्यादा स्क्वायर फिट है तो ज़्यादा रेंट है, कम स्क्वायर फिट है तो कम रेंट है. तो सबको अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स देख रखे हैं. अब यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए, बोलो क्या आपको किसको बेस मानना है? ऐसा मानना है कि मशीनर्स उसके ड्राइवर है, बोलो कौन है? मतलब मशीनर ज़्यादा तो एक्सपेंस भी ज़्यादा. तो जिस यूनिट ने, अगर ए बी सी डी ने, अगर मान लो ए ने सबसे ज़्यादा मशीनर खाए ना, तो ए ने सबसे ज़्यादा खर्चा झेलना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस का, कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस का ड्राइवर कौन है? मशीनर. ऐसी बात है जैसे मैंने आपसे कहा रेंट का ड्राइवर कौन है? रेंट का ड्राइवर कौन है? एरिया इन स्क्वायर फिट. तो अगर ए क्लासरूम बड़ा है तो उसको पूरे फैक्ट्री का सबसे ज़्यादा पोर्शन उसी को झेलना है. आ रहा समझ में? वैसे स्टोर्स रिसीविंग के लिए किसको मानना है आपको? कितने रिक्विजिशंस रेज किया आपने, कितने? सो नंबर ऑफ रिक्विजिशंस आपको देखना है. उसके बाद में क्या? मशीन सेटअप कॉस्ट, बोल गया? मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स किसको बेस मानना है? क्या हमने इधर ऊपर प्रोडक्शन रन्स निकाले थे? कि ए बनाने के लिए कितने रन्स लेंगे, बी के लिए कितने रन्स निकालेंगे, नहीं? तो बराबर है ना कि एक जितनी बार ए का सेटअप, जैसे बी देखो या सबसे ज़्यादा इनफैक्ट डी बनाया ना हमने, डी के लिए 15 बार सेटअप करना पड़ा. एक सेटअप में 10 डी बनते, 150 डी बनाने के लिए कितनी बार सेटअप करना पड़ा? 15. तो 15 बार सेटअप डी के लिए करना पड़ा. तो भाई डी तू सबसे ज़्यादा झेलेगा सेटिंग अप एक्सपेंसेस, सेटिंग के एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा तेरे लिए इंकर हुए, तेरा ही सबसे बार हमको सेटिंग करना पड़ा है, 15 बार तेरा सेटअप करना पड़ा हमको, तू ज़्यादा झेल. और वैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स अगेन, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्रोडक्शन रन्स. मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड. ओके, तो मटेरियल हैंडलिंग बराबर ना? मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्या? डिलीवरी बॉयज वगैरह जो रहते हैं ना, मटेरियल हैंडलिंग, वो भी तो मटेरियल हैंडलिंग करते. तो हमने देखा था कि एक टाइम पे हम 5-5 यूनिट्स के बैच बेचते, जिसकी ज़्यादा वैसे ऑर्डर्स हुए, जिसके ज़्यादा ऑर्डर्स वो ज़्यादा झेले. एवरीबॉडी, अरे सुनो, अब नीचे लिख के दिया, द नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड ऑन द स्टोर्स वॉज 25 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वॉज 96. ईच ऑर्डर वॉज इन अ बैच ऑफ 5 यूनिट्स. तो नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड ऑन द स्टोर्स वॉज 25 फॉर ईच प्रोडक्ट. तो हर प्रोडक्ट के लिए कितने रिक्विजिशंस आए? रिक्विजिशंस मतलब रिक्वेस्ट. तो ए डिपार्टमेंट ने गोडाउन वाले को या मटेरियल हैंडलिंग वाले को, मटेरियल वाले को 25 बार माल मांगा है हमारे गोडाउन में से. बी ने भी 25 बार माल मांगा है, बोलें यस. सो द नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड वाज 25 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर 96 वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा. ठीक है सर, ओके आगे. नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वर 96, आपको क्या निकालना है? द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट है बच्चों.
मतलब आपको सिर्फ ओवरहेड्स का कॉस्ट नहीं बताना है, ओवरहेड्स छोड़कर टोटल कॉस्ट, क्या आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ए बी और सी के मटेरियल के खर्चे दिए हुए हैं? ठीक है, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वो तो लेने ही है, उसके अलावा ओवरहेड्स का आपको दिमाग लगा कर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बाद में टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट अज्यूमिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ऑन मशीन आर बेसिस, किसको बेस मानना है? मशीन को बेस मानना है। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट अज्यूमिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो चलो ये तो अपना बाद वाला क्वेश्चन है। और शो द डिफरेंस इन वन एंड टू अबाव, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ओवरहेड को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेनली चैप्टर्स है, एक ओवरहेड्स और दूसरा कौन सा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले तो अपन ओवरहेड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाना है टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट अज्यूमिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स यूजिंग क्या, मशीन आर बेसिस के हिसाब से। आपको मशीन आर को कॉमन बेस मानना है। अब वो कॉमन बेस हम बाद में देखेंगे, एब्जॉर्प्शन की तो बात मुझे करनी नहीं, मैंने आपसे कहा पहले प्राइमरी और सेकेंडरी की बातें कर लेते। सबसे पहले मुझे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है, तो ए बी सी डी इनके ऊपर जो आपको देखे रखे हुए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मुझे सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। यस नो और बाद में उन्होंने बेसिस तो देखे रखा हुआ है कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या लेने हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट अज्यूमिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ऑन क्या, मशीन आर बेसिस। अब सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है और उन्होंने क्या बोला है कि बेस किसको लेने के लिए बोला है, मशीन आर को ही कॉमन बेस लेने के लिए बोला है। किसको बेस लेने के लिए बोला है, मशीन आर, राइट। सिर्फ मशीन आर को बेस ले लीजिए और चार्ज कर लीजिए। वो जो ये हुआ ओवरहेड्स चैप्टर अपना, क्या आपने कोई एक बेस मान लिया, क्या मान लिया आपने, आपने कोई तो एक बेस मान लिया और उस बेसिस के ऊपर पूरा चार्ज कर दिया। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात इतनी नहीं हुई है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई है, पर एब्जॉर्प्शन करने के लिए डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला, कौन सा बेस ले लीजिए, मशीन आर। तब एक काम करेंगे, मतलब हमको ये जो अलग 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 बेसिस लेने के लिए बोले हैं ये नहीं लेना है, ये हमको लेना है अगर हम क्या करने वाले, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्या करने वाले हम लोग, और हम करने वाले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो वो हमको बेस लेना है। नहीं तो अभी के लिए हमको बेस क्या लेना है, ओवरहेड्स के लिए सब क्या बोला है, मशीन आर को बेस ले लीजिए, ऐसा नो। तो ये क्वेश्चन मेनली एक्चुअली एब्जॉर्प्शन के ऊपर ज्यादा है, चलो देख लेते फिर भी। तो अभी एब्जॉर्प्शन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ मशीन आर को बेस लेना है। अब सबसे पहली बात, क्या मैं निकाल सकता हूँ ए ने कितने मशीन आर यूज़ किए, बी ने कितने मशीन आर यूज़ किए, सी ने कितने किए और डी ने कितने किए। बोला है कि इतने यूनिट्स बनाए और एक यूनिट के लिए इतने आर्स लगते हैं, तो क्या मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो समझ में आ जाएगा कि ए को कितने आर्स लगे, बी को कितने लगे। ये सुनो, तो बताइए ए को कितने आर्स लगे, 100 × 5 आर्स लगे ए को, बी को कितने लगे, 110 यूनिट बनाए हमने, एक यूनिट बनाने के लिए हमको 4 घंटे लगते हैं, तो 440। सी के लिए और डी के लिए इतने आज लगे, तो टोटल मशीन आज कितने लगे, 1900। इतने मशीन आज लगे कि नहीं, बस मुझे क्या करना है, जितना भी ओवरहेड का खर्चा है, अभी ओवरहेड का टोटल खर्चा कितना है, ये सारे एक्सपेंसेस अगर मैं ऐड कर दूँ तो ओवरहेड का खर्चा कितना है, 57,000। ऐसा नो, अगर मैं सारे खर्चों को ये ऐड कर दूँ, ये जो ओवरहेड से खर्चे इन सारे खर्चों को मैं ऐड कर दूँ, तो टोटल मेरा एक्सपेंस कितना आ रहा है, 57,000। मतलब ये 57,000 का टोटल खर्चा मुझे बांटना है, और ये बांटना कैसे, कौन से रेशो में, मशीनर के रेशो में, तो खेल खत्म। ये मेरे मशीनर से इन सबकी टोटल कितनी आई, 900। सो एक घंटे के लिए कितना खर्चा आएगा, एक घंटे के लिए कितना खर्चा आएगा, दैट्स इट। सो 57,000 का मेरा खर्चा है, उसमें 1900 घंटे मशीन चली है, मतलब एक आर मशीन चली तो कितना खर्चा आता है, 30 रुपीज। तो आंसर है 30 रुपीज पर मशीन आर। एक घंटा मशीन चलती है तो 30 रुपीज का कॉस्ट आता है, यस नो। अब एक घंटा अगर मशीन चली तो 30 रुपीज का कॉस्ट है। अभी एक के लिए मशीन कितने घंटे चली, सिर्फ एक के लिए अगर मैं बोलूँ कितने घंटे मशीन चली बताओ, 500। तो एक घंटे का 30 रुपये लेना है हमको, देखो ना 57,000 का खर्चा आया, यस नो। 1900 घंटे मशीन चली तो 57,000 का खर्चा आया, एक घंटे मशीन चलती तो 30, दैट्स इट। एक के लिए तो 500 घंटे चले ना, तो 500 × 30, 440 × 30, 360 × 30, 600 × 30। तो क्या करो, कैलसी पे 30 कॉमन ले लो पहले, 30 × 30 निकालो, 500 इक्वल टू, बिना कोई बटन दबाए प्रेस करो, 440 इक्वल टू 360 इक्वल टू 600 इक्वल टू, यही करो एग्जैक्टली कैलसी पे, बीच में कोई भी दूसरा बटन मत दबाओ, राइट। चलिए
कर दिया आपने, कितना आ रहा है ए बी और सी के ऊपर, तो ए के ऊपर कितना आया, बी के ऊपर कितना है, सी के ऊपर कितना है, डी के ऊपर कितना है, यहाँ पे 300 इंटू 500 15,000 कितना, सी के ऊपर एंड ऑन डी 18,000. ये ए के ऊपर टोटल इतना है ना, अभी तुमने ए बनाए कितने, ए तुमने कितने बनाए, ए बनाए 100, बी बनाए 110, सी बनाए 120 और डी बनाए 150. तो क्या एक ए के लिए कितना खर्चा है ये निकाल सकते हैं अभी हम, पूरे ए पे कितना है 15,000. 15,000 में आपने कितने ए बनाए, अगर मुझे पर यूनिट निकालना है, क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है पर यूनिट, तो ये जो एक्सपेंस है इन सबको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए, यहाँ पे नंबर ऑफ बी, यहाँ पे नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ डी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, ए के कितने यूनिट्स हैं, 100, तो 15,000 डिवाइड बाय 100 रुपीज 150 पर यूनिट. बी, बी आपने बनाया 110 पर यूनिट आएगा 120. सी का 10,800 है, बनाया उसमें 120 यूनिट्स, एक यूनिट का 90 और डी 150 बनाया आपने, 120. ये आ गया एक एक यूनिट के लिए आपने कितना चार्ज किया, ऐसा ना, एक एक यूनिट के लिए आपने कितना चार्ज किया वो. तो वही अगर आप देखो तो ए बी सी के कितने यूनिट्स बनाए, पहले उन्होंने फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन कैसे किया, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स ए बी सी डी और यहाँ पे टोटल दिखाया कितने यूनिट्स बनाए ए बी सी के, वो लिख कर दिया है, ठीक है, वो इतना काम का नहीं. अब मटेरियल लेबर तो दिया ही था क्वेश्चन में, तो वो तो आपको ऐसे कॉपी करना था, ऐसा. फिर अभी ए का बी का सी का और डी का हमने कैसे निकाला, अभी अभी हमने देखा ऊपर, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, यस नो. वर्किंग नोट में क्या दिखाओगे, यही जो हमारा 30 रुपीज़ पर यूनिट कैसे आया था, 57,000 डिवाइड बाय 900. बस उसके बाद में ए के लिए कितने मशीन आज लगे, बी के लिए कितने मशीन आज लगे वो दिखा देना आप. 100 ए बनाए हैं, एक के लिए लगे 500, यस नो. अरे यस नो, तो 500 घंटे इसके लिए, 440 इसके लिए जो हमने निकाला वो वर्किंग नोट में आप दिखा देना, और ए बी सी डी पे इतना इतना ओवरहेड पर यूनिट आया वो आप दिखा सकते हो. टोटल कॉस्ट निकालना है तो बस इन सब की टोटल ले लीजिएगा, क्या आ रही है 205, यस नो. 30 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 150 जब आप टोटल ले लेते हो, ओके 205 आपकी आएगी. तो इस तरह से आपने टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिखा दिया, और इस पर यूनिट कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ओके एवरीबॉडी. तो ये हो गया कौन सा, कैसे कर लिया हमने ये ओवरहेड के ट्रेडिशनल मेथड से. अब बच्चों यही पे अगर क्विकली कभी कभी चर्चा में आता है, जैसे मैंने आपसे कहा ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमको साथ में ही पढ़ना है. ओवरहेड में यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कॉमनली लास्ट में एक कोई तो बेस लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है और ये मेरा फ्रेंड है, एवरीबॉडी. तो मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों का ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो मैंने इन दोनों का रिलेशन लगा दिया पेरेंट्स की परमिशन लेके, यस नो. अरे एवरीबॉडी, तो बस इन दोनों की शादी करा दी. हुआ क्या, मैं बन गया बेस, मैं क्या बन गया बेस, ये है कॉस्ट और ये है प्रोडक्ट, रिलेशन नहीं था डायरेक्ट, एक कोई तो बेस इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली लगा देते हैं. जैसे अभी हमने क्या कर लिया, ए बी सी डी इन सबके लिए एक ही बेस मान लिया, इसको मशीनास को. हम ऐसा मान रहे कि सारे मशीनास सारे ओवरहेड कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर कौन है, मशीनास, यस नो एवरीबॉडी, यस नो. बस उस तरह से हमने किया. अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है ऐसा नहीं करने का. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, आप हर प्रोडक्ट के लिए, जैसे ए बी सी डी ए प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट के लिए कौन से एक्टिविटीज इंकर हो रहे, बोलो हर प्रोडक्ट के लिए कौन से एक्टिविटीज इंकर हो रहे, आप ये पहले कन्फर्म करो. हर प्रोडक्ट के लिए कितने एक्टिविटीज है यूनिकली आप आइडेंटिफाई करो, और हर एक्टिविटी के लिए उसका उसका कॉस्ट ड्राइवर ढूंढो. हर एक्टिविटी के लिए उसका उसका कॉस्ट ड्राइवर ढूंढो. जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देख रखा था, यस नो. सो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको दिया था कि इतने इतने एक्टिविटीज सबको लगे हैं एवरीबॉडी, और हर एक एक्टिविटी के लिए किसको कॉस्ट ड्राइवर मानना है ये आपका पे दिया था. हर एक्टिविटी के लिए उसका उसका कॉस्ट ड्राइवर ढूंढो और उस बेसिस पे उसको बांटो, क्योंकि ये मानना कि सबके लिए एक ही बेस है, कौन बेस है, मशीनास, ये थोड़ा गलत होगा, ये थोड़ा गलत होगा, राइट.
हर एक प्रोडक्ट के लिए आप देख लो कौन 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 से हर प्रोडक्ट के लिए कौन से एक्टिविटीज लगे और एक्टिविटी के लिए कौन सा ड्राइवर है, ये आप यूनिकली आइडेंटिफाई करो एवरीबडी, और बस डिपेंडिंग अपॉन हर एक्टिविटी का जो कॉस्ट ड्राइवर है उस बेसिस पे आप खर्चों को बांटो। तो चलिए एबीसी का एक क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सब बस क्या करने वाला हूँ, मैं एक अलग अभी जैसे आप सबके लिए सिर्फ मशीनर बनाना, हमने मशीनर रेट निकाल दिया तो बहुत ही छोटा सा आंसर हो गया। अब बस हमको करना क्या है, ये जो टोटल 57,000 का खर्चा था उसमें एक 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 खर्चा जो है इन सब एक एक खर्चे को जैसे हमने डायरेक्टली 57,000 को डायरेक्टली डिवाइड बाय क्या कर दिया था 900 मशीनर्स, अभी हम इस खर्चे को इसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करेंगे, इस खर्चे को इसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करेंगे। एवरीबॉडी एग्जांपल लेते हैं, जैसे सबसे पहले बात उन्होंने क्या बोला है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए आपको ड्राइवर किसको मानना है, मशीनर्स। तो हमने अभी अभी निकाला था मशीनर्स कितने 1900 है कि नहीं, टोटल मशीनर्स कितने 1900 यस नो। तो बस अगर मैं डिवाइड बाय 1900 कर दूँ तो आ जाएगा एक मशीनर का कितना, तो 22,500 डिवाइड बाय 1900 कर दूंगा मैं तो कितना आ रहा 11.84, तो रुपीज 11.84 पर मशीनर ऐसा नो एवरीबॉडी। और अब क्या करना है आपको, ए ने कितने मशीनर्स इस्तेमाल किए, हमने यहाँ पे निकाला था 500, यहाँ पे 440, 360 और 600, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा ए बी सी डी का फैक्ट्री एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन, आ जाएगा ए बी सी डी का सिर्फ क्या आ जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पोर्शन जो उनको हमको चार्ज करना है, सिर्फ फैक्ट्री एक्सपेंस ही हुआ है अभी। अब ऐसे हर एक 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 ओवरहेड को, हर एक 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 ओवरहेड का हमको कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, उस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस के हिसाब से हम ए बी सी को चार्ज करने वाले हैं एवरीबॉडी राइट। वैसे ही स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट कितना है, तो स्टोर्स एक्विजिशन कॉस्ट कौन से रिसीविंग है हमको नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, तब नंबर ऑफ रिक्विजिशन हमको दिया था कि पर प्रोडक्ट कितने रिक्विजिशंस हुए, दिया था ना 25 हुआ था एवरीबॉडी। सो टोटल रिक्विजिशंस कितने हुए रहेंगे, 25 ए के लिए, 25 बी के लिए, 25 सी के लिए, 25 डी के लिए 100, तो आप डिवाइड बाय 100 करो और बाद में इंटू 25 करते बैठो, या सिंपल है जब सबके लिए 25 25 25 ही रिक्विजिशंस थे तो डायरेक्टली डायरेक्टली स्टोर्स को इक्वली बांटना है ए बी सी डी में, तो बस डिवाइड बाय 4 करके ए बी सी डी का आ जाएगा एवरीबॉडी यस नो। तो ए पे कितना रिक्विजिशन कॉस्ट आएगा, बी पे कितना आएगा, सी पे कितना आएगा, डी पे कितना आएगा, वो आ सकता है ओके। वैसे मुझे बताइए टोटल प्रोडक्शन का खर्चा, प्रोडक्शन अपने ये मटेरियल सेटअप कॉस्ट कितना है मुझे 12,200 बोला है, बेस क्या लो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स ये सुनो। अब नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने मेरे पास यहाँ पे मैंने निकाले थे 10, यहाँ पे 11, 12, 15, टोटल कितना आ रहा है 48 रन्स लगे मुझे एबीसीडी बनाने के लिए, तो 12,200 को डिवाइड बाय 48 कर दो, डिवाइड बाय 48 कर लो, एक रन का आएगा 254, एक रन का हुआ रुपीज 254 एक रन का। अभी इस रेशियो में बांट दो, ए को इंटू 10, बी को इंटू 11, सी को इंटू 12, डी को इंटू 15, 254 इंटू 10 इक्वल टू 11 इक्वल टू 12 इक्वल टू 15 इक्वल टू यस नो, बस वो आपको डाल देना है, आ जाएगा ए बी सी डी के ऊपर कितना। सिमिलरली क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी नंबर ऑफ रन्स को ही बेस लेना है 48, वैसे ही मटेरियल हैंडलिंग के लिए बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स लो, नंबर ऑफ क्या लो ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कितने ऑर्डर्स आए थे सबके, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वॉज 96, ईच ऑर्डर वॉज इन अ बैच ऑफ 5 यूनिट्स, सो द नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड ऑन स्टोर्स वॉज 25 फॉर ईच प्रोडक्ट, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट वॉज 96, ईच ऑर्डर इन अ बैच ऑफ 5 यूनिट्स, तो 96 ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। अब ये 96 ऑर्डर्स किसके आए, ए क्या आए, बी क्या आए, सी क्या है, सबके मिला क्या है, फिर ए बी सी को कौन से रेशियो में बांटोगे बताओ, ए बी सी को फिर कौन से रेशियो में बांटोगे, क्या बैच दिया, ठीक है ना, ए के कितने बैच, Yeah.
दस रन हो गए राइट, बरोबर। तो यहाँ पे इन शॉर्ट दस रन है, माने दस दस यूनिट आप बनाते हो है कि नहीं, पांच यूनिट मतलब एक बैच में आपके कितने बनते हैं, यस सॉरी एक रन में दस यूनिट बनते हैं, मतलब ये दो बैच क्योंकि एक पांच पांच की एक बैच है। एवरीबडी ऐसे टोटल ऑर्डर्स मेरे पास कितने आए, 96 ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स आए अभी पर 96 आए बरोबर है, पर उसमें ए के कितने, बी के कितने, सी के कितने, डी के कितने, कितने बैचेस ना इमेजिन करो। तो चलो ठीक है ना, आप क्या बोल रहे हो सर, एक बैच में पांच है, एक बैच में कितने, पांच यूनिट है, तो 100 के लिए कितने बैच लगेंगे, 20 बैच, सबको डिवाइड बाय 10 किया था हमने रन के लिए, बैच के लिए डिवाइड बाय 5 करो, चलो 22, यहाँ पे कितना आ रहा है 20, यहाँ पे कितना आ रहा है 22, 24, 30, टोटल इसके आ रही 96 बरोबर आ रही है ना। तो 96 के लिए एक्चुअली उन्होंने बोला नहीं था कि ए बी सी डी का कितना है, अभी वो तो नसीब से यहाँ पे हमने जब सारे बैचेस की टोटल ली तो वो भी एग्जैक्टली कितनी आ रही है 96। तो हमको समझ में आया कि हमने जितना बनाया, बोलो क्या, जितना हमने बनाया उतना हमने सेल कर दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती, हमने यहाँ पे जितना बनाया उतना हमने बेच दिया। आ रहा समझ में सभी को, अरे एवरीबॉडी ओके। सो बस ये आ गया कि ए के कितने बैच है 20, बी के कितने बैच है 22, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस 96। सो इस खर्चे के लिए बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आपको बेस लेना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 96 है, जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो पर ऑर्डर 100 आएगा, 100 एक ऑर्डर का, मल्टीप्लाइड बाय 20 करो, मल्टीप्लाइड बाय 22 करो, 24 और 30 करो, जब वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए के लिए मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच का कितना पोर्शन चार्ज करना है वो आ जाएगा, ऐसा नो। तो बस वही आपको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, स्पेशली वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या, फटक से यहाँ पे देख लो। सबसे पहले आपको क्या दिखाना है कि एक 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 एक्सपेंस कितना है राइट, उनके लिए यहाँ पे आपको बेस या कॉस्ट ड्राइवर दे के रखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, टोटल जैसे मशीन आर की टोटल हमारी कितनी आई थी 1900, स्टोर्स टोटल रिक्वेशंस कितने थे 25 25 25, याद है ना 100, वैसे मशीन के टोटल रन्स कितने होते, प्रोडक्शन रन्स 48, प्रोडक्शन रन्स कितने होते 48, और लास्ट में नंबर ऑफ बैचेस कितने थे 96। तो आपको जैसे हमने पर मशीन आर 30 निकाला था, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल मशीन आर्स, पर मशीन आर 30 आ गया, यस नो। वैसे अबे पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना है, क्या निकालना है, तो बेटर रहेगा कि आप इसको और यहाँ पे हेडिंग देते हो, फोर्थ कॉलम को आप नाम दे सकते हो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ऐसे निकाल देने के, और सिंपल फिर जितने ए बी सी डी के थे उतने उनको चार्ज करना है, यस नो। तो सब जो जो नंबर जो जो हमारे क्या है कॉस्ट ड्राइवर्स, क्या हमारे वो यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले ए बी सी डी के हमने पहले आउटपुट लिख दिया, फिर नंबर ऑफ रन्स लिख दिए, नंबर ऑफ रिक्वेशंस लिख दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिख दिए 2022, यस नो। अरे एवरीबॉडी ये सब लिख के रख दिए कि हमको ये आगे लगने वाला है, वही हमारे बेस है। फिर मटेरियल का कॉस्ट लिख दिया, लेबर का कॉस्ट लिख दिया, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल क्या लिखे, अब ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैसे निकाले वो यहाँ पे देख के रखे, कन्फर्म है एवरीबॉडी राइट। तो बस करना क्या था, उस रेशियो में बांट देने के, जैसे मैंने ऊपर आपको बोला ए बी सी डी में बांट दो, और बांटने के बाद फाइनली डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डी, आपका ये आ जाएगा डायरेक्टली, यस नो। अच्छा सॉरी, तो पर यूनिट कॉस्ट हुआ ये आ जाएगा टोटल 59.2, अगर आप इन सब की टोटल देते हो तो मेरे ख्याल से 59 आ रही है, चेक कर लो आ रही ना। बस इन सब का मिलकर उन्होंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया कि मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, एक्सपेंस इतना है, ओके। तो जैसे हमने कहा वैसे आपको बांटना है खर्चे, ए के सारे खर्चे आ गए, बी के सारे खर्चे आ गए, सी और डी के, लास्ट में ए के सारे खर्चों की टोटल ले लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी, सी और डी, आपके डायरेक्टली ये पर यूनिट आना शुरू हो जाएंगे, कन्फर्म है सभी के लिए, अरे यस नो, दैट्स इट। और फिर आप देख सकते हो कि पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, ए का, बी का, सी का और डी का, इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि ओवरहेड्स में हमारा क्या आया था, जहाँ पे हमने सिर्फ मशीन आर माना था वहाँ पे पर हेड कॉस्ट्स कितने आए थे, एवरीबडी ऐसा नो। अब ऑफकोर्स दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा बेटर कौन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि वो उसका अजम्पशन ज़्यादा रियलिस्टिक है कि हर ओवरहेड एक्सपेंस के लिए उसका उसका यूनिक कॉस्ट ड्राइवर रहता है, आप उसी रेशो में बांटो ना, सबके लिए मशीन आर बांटना गलत है, एवरीबडी
यस नो, बस तो लास्ट में आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है. मशीन आर के हिसाब से पॉर्यूनिटी आए, ये यहाँ पे लिख दिया हमने, एबीसी के हिसाब से पॉर्यूनिटी आए, डिफरेंस दिखाना है कितना ज़्यादा कितना कम. तो आप देख सकते हो कि इस इसमें ज़्यादा आया, इसमें मशीन आर में थोड़ा कम आया, मशीन आर बेसिस पे, यहाँ पर मशीन आर बेसिस पे कम आया, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे मशीन आर बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा आया, थोड़ा ज़्यादा आया. टोटल कॉस्ट हमने निकाले थे, ये टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे लिख देने के, यस नो. और डिफरेंस क्या थोड़ा बताने का. अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मशीन आर के हिसाब से ए का खर्चा ज़्यादा है, जबकि एबीसी के हिसाब से ए का टोटल कॉस्ट कम आया. इसका मेन रीज़न क्या है कि अगर आप मशीन आर बेसिस पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा मशीन आर ए को लग रहे थे, पाँच लग रहे थे ना उसको, यस नो. तो नंबर ऑफ ए कम बनने से बावजूद सबसे ज़्यादा तो डी बना है, डी सबसे ज़्यादा बना है, ए तो कम बना था, इनफैक्ट सबसे कम, ए कम बना है, पर फिर भी सिर्फ क्योंकि उसको मशीन आर ज़्यादा लग रहे थे उसको सारे खर्चे ज़्यादा लग गए. यही तो गलत है ना, यही तो ओवरहेड्स के साथ गलत होता है. एक गलती क्या हो गई कि हमारा बेस था मशीन आर और कमबख्त ए को वही ज़्यादा लग रहा था. ए को अगर आप देखो तो मशीन आर ही सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, यही तो गलती थी, यही तो पाप था ए का कि हमने बेस ले लिया और ए को मशीन आर ही कमबख्त ज़्यादा लग रहे थे. अभी ए को मशीन आर ज़्यादा लग गए इसलिए सारे खर्चे ज़्यादा लगाना सही है क्या? जैसे मैंने आपसे कहा ये तो गलत हुआ ना. रेंट एरिया पर डिपेंड करती है ना कि तुम्हें मशीन आज कितने लगे. लाइट का बिल इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग बेस रहता है. आपने सबके सिर्फ एक, आप ए का यही पाप था कि उसको मशीन आज ज़्यादा लगे और हमने बेस भी किसको ले लिया, बस यही ए का पाप हुआ. एवरीबॉडी यस सर, बस वही आपको मेन समझना था इसमें, और यही पे रीज़न आपको लास्ट में एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, दोनों में डिफरेंस क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो द डिफरेंस इज दैट ए कंज्यूम्स कंपेरेटिवली मोर मशीन आज. अब यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स कॉस्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट देन वॉट वी अराइव्ड एट यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. इट कैन बी आर्ग्यूड दैट प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एबीसी आर मोर प्रिसाइज एज ओवरहेड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज. तो हमने क्या कर लिया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन किया है. एब्जॉर्प्शन करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज किया कि एक ही बेस ले लो, और दूसरा हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज किया. एक्चुअली जब हम ओवरहेड्स चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिया, उस ओवरहेड्स चैप्टर में हमने एक्चुअली दैट ओवरहेड मींस ट्रेडिशनल ओवरहेड्स, जब हम एक बेस लेते हैं यस नो. और फिर एक और चैप्टर जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें क्या बोला, अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग बेस लेने को ऐसा सॉल्व करेंगे. आर यू गेटिंग पॉइंट? चलिए तो हम यहीं पर रुकते हैं. अगले सेशन में अगर आपको चाहिए रहेगा तो फिर मैं आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है? अभी हम यहीं पर रुकते हैं, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक. ब्रेक के बाद हम देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन.